आपका स्वागत है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ स्पीकर्स। यस प्लीज। यस, हाँ थैंक जी यू। ब्रदर, वी कैन वी हियर यू। कैन वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमारे प्यारे स्पीकर्स एंड प्यारे टीचर्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज की श्रृंखला हमारी कंटिन्यूटी में है एंग्जाइटी के ऊपर, ओवरकमिंग एंग्जाइटी। और ओवरकमिंग एंग्जाइटी में हम अलग अलग टॉपिक्स पर आगे बढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओवरकमिंग एंग्जाइटी थ्रू सेल्फ एक्सेप्टेंस। स्व को स्वीकार करने से हम कैसे अपने आप को एंग्जाइटी से मुक्त कर सकते हैं। आने वाली श्रृंखलाओं में ओवरकमिंग एंग्जाइटी विद ओवरकमिंग फियर, ऐसे भी टॉपिक्स आने वाले हैं फ्यूचर में कि हम डर को जीत करके कैसे एंग्जाइटी को जीतें। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स फ्यूचर में आने वाले हैं जिनको हम ऐड करते जाएंगे। आप इसी तरीके से यहाँ ज्वाइन करें हैं। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, जो कि अपने गुणों को, अपने टैलेंट्स को यहाँ पर दिखाना चाहे, वो यहाँ पर आकर के औरों की मदद करके अपने टैलेंट्स को यूज करे। कहा जाता है कि परमात्मा ने हम सबको कुछ ना कुछ शक्तियाँ, कुछ ना कुछ गुण दे करके भेजा गया था, और उन्हीं टैलेंट्स और उन्हीं शक्तियों, उन्हीं गुण को अगर हम औरों को बांटें तो वो और बढ़ते जाते हैं। और हम और सबकी मदद करने के लिए इस धरती पर आए हैं, देने कुछ नहीं आए हैं, लेकिन देने के लिए आए हैं। ये सोच करके अगर हम आगे बढ़े जीवन में तो बहुत ही जीवन का आनंद आएगा। और परमात्मा कहते हैं कि दुआएं बहुत मिलेगी औरों से, तो हम दुआ कमाने आए हैं। और जो इंसान दुआ कमा लेता है उसको किसी की दया की जरूरत नहीं होती है। तो हम आज परमपिता परमात्मा को याद करें। एक मिनट परमात्मा की याद में जाएं, भगवान की याद में जाएं, और उनसे कहें कि आज की श्रृंखला से आप हमें इस्तेमाल करके, यूज करके, अपने ही दिए हुए गुणों को इस्तेमाल करके हर किसी का भला करें इस प्लेटफॉर्म पर। तब तक हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़ते जाएंगे एंड हम परमात्मा को एक मिनट के लिए याद करें। ओम शांति। काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें स्पीकर्स। तो आज हमारे जो मेन की होस्ट हैं ब्रदर अनुराग, वो हमारे साथ में ज्वाइन कर चुके हैं। अनुराग ब्रदर को बहुत बहुत ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, अनुराग भाई साहब। एंड आप जैसे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं आप इस श्रृंखला को आगे लेके जाएंगे। ये जो सेशंस हैं वो टोटल बांटे गए हैं आपके फर्स्ट श्रृंखला में। हमारे स्पीकर्स को ब्रदर अनुराग अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछ करके, जो कि हर किसी के अंदर क्वेश्चन हो सकते हैं, उन्हीं को एड्रेस करते हुए क्वेश्चन पूछेंगे। हर एक स्पीकर जो है यहाँ पर, वो आपस में भी एक दूसरे के साथ में बात करके एंड चिट चैट टाइप से, टॉक शो टाइप से इसको आगे लेके जाएंगे। हम बिल्डअप करेंगे सारे सेशन को एक ही टॉपिक पर, जो है एंग्जाइटी, ओवरकमिंग एंग्जाइटी थ्रू सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम इसी दायरे में बात करेंगे एंड आपको ब्रदर अनुराग आपको इन सारे दायरों में रखते हुए आगे लेके जाएंगे। एंड जैसे ही 10-10 मिनट हर एक किसी के स्पीकर्स को मिलने के बाद में खत्म होते हैं, उसके बाद में हम एक रैप अप करेंगे सारे सेशन को लेकर के एंड उसका टोटल निचोड़ क्या निकला। और उसके बाद में एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे उसके ऊपर। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट थर्ड सेशन में
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होंगे आपके, जिसमें कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको क्वेश्चन आंसर्स भी पूछने के लिए दिया जाएगा, ताकि उनके अगर कोई डाउट्स हैं तो वो पूछे जाएं यहाँ पर, एंड आप किसी भी स्पीकर को या कि जनरली आप एड्रेस कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन आंसर्स को आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, बीच बीच में सेशन सुनते सुनते आप चैट बॉक्स में भी टाइप करें, ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और हम फटाफट सेशन खत्म होने के बाद आपके क्वेश्चंस को पढ़ के हम अपने स्पीकर्स के पास रख पाए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का सेशन। ब्रदर अनुराग, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कैन यू हियर? भाई जी एंड एवरीबडी हैज ट्रस्टेड मी फॉर दिस सेवा, सो आई एम ग्लैड एंड आई एम फॉर्चुनेट टू डू दिस टुडे। वी हैव मैसिव टीम ऑफ ब्यूटीफुल स्पीकर्स जॉइनिंग इन फ्रॉम नॉट ओनली इंडिया बट फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल। सो दिस इज रियली अ वेरी वेरी गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक एंड वेरी ब्यूटिफुल सेशन विद सो मच ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज एंड टैलेंट being shared here for wellness of everyone. To begin with, I would love to introduce our respectable sister, Suman Mann, Mrs. Suman Mann. She is a MSc in counseling and spiritual health. She has been a spiritual speaker and a learner and a teacher and many more titles to her. Which is not important. What is important is what she has as a knowledge and has as a skill to share today. She lives in Delhi and she has done a lot of hard work, a lot of sincere, conscious efforts to be able to gain this knowledge and to be able to share that. I have been lucky to be able to gain a lot of learning from her in person because I am her neighbor in the same residential area. So very, very fortunate to have her with us. She has been in the knowledge for a very long time. She has a beautiful family. So what she is going to share today would be very unique and very, very important for our listeners and for our participants who may have a lot of questions and a lot of issues. Their life moving forward. We have now I am going to introduce one. It's our culture and is ye deviyan hamare liye itna kuch karti hain, behan ke roop mein, maao ke roop mein, as mothers, as sisters, as wives. So here another beautiful soul, Sister Tanika Verma from London. She lives in the suburbs of London. She is a certified Reiki healer, and she also is a tarot card reader, which is also a very beautiful science. And she's been into meditation. She's been into a lot of other stuff. She's a very creative soul. Very fortunate to have been in touch with her. Due to my traveling, I am able to speak to her in person a lot of times. And she also is in meditation. I mean, she has learned spiritual meditation, and in her own professional and personal living, she has been using all these tools and resources. And today she's going to share her wisdoms, her knowledge, and her skills with us to be able to guide us. We also have B.K. Raman Bhattari. I'm sorry, I'm not able to pronounce your name properly, Bhaiji. So please, due apologies. B.K. Ramanji is a global inspirational educator. He's from, I believe, from Darjeeling itself. Is that right, Bhaiji? Are you here, B.K. Ramanji? Bhaiji is from Nepal, Bhaiji. Okay, I'm sorry. That's a Nepali cap he's wearing. Fantastic. Fantastic. So he's from Nepal, which is beautiful because Nepal as a country brings in a lot of tradition, a lot of history, a lot of culture. And being a Brahma Kumar himself, he has immense knowledge, immense spiritual knowledge, immense you know, experience of the knowledge which has he has attained. And
he's going to share his wisdom with us. We are fortunate to have him with us, and he's an educator. So he's been imparting his experiences, he's been sharing his experiences, but also educating, lot of hundreds and hundreds of people all around the world, not only Nepal, but around the world. And as we can see, our young brother, Brother B.K. Parampreet Ji, I was fortunate to have been introduced to him by various means in Delhi. And he's a motivator, he's a brother, he's a relationship expert, he's into fitness, he does yoga, he's multi-talented, I would say. And he, with his whole seva bhav and with his whole spirit of imparting knowledge and helping others, he's the one who's been able to create the platform with the grace of God to help and to guide us all. We also have guest of honor, Mr. Sunil Tamang, who's the pastor and in Darjeeling. And he's a pastor with Prayer Tower. He'll be joining. अगर हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं उनके लिए हम हिंदी और इंग्लिश में करेंगे इसको, ताकि सब लोग अपने अपने प्रश्नों को भी अपनी अपनी भाषा में यहाँ पे रख पाएं, जनरली हिंदी और इंग्लिश में. एंड अनुराग ब्रदर, काइंडली टेक अहेड, लेट्स स्टार्ट द सेशन भाई सर. श्योर. आज का सेशन बहुत सुंदर है, सेल्फ एक्सेप्टेंस. सेल्फ एक्सेप्टेंस एक ब्रॉडर फॉर्म में, अगर आज की if we look at today's context, कि क्या हम अपने को accept कर पाते हैं, क्या हम जैसे हैं, क्या हम हमारी habits, क्या हमारे जो संस्कार हैं या जो हमारी lifestyle है, क्या हम उसको accept कर पाते हैं, क्या हम उसको क्या हम उसको समझ पाते हैं कि हम हमारे चाहे वो challenges हैं, चाहे वो हमारे संस्कार हैं, उनको हम कैसे लेते हैं आज के इस दौर में. क्या उन्हीं सेल्फ एक्सेप्टेंस की वजह से क्या हमारे को चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उन्हीं सेल्फ एक्सेप्टेंस की वजह से हमारे को मुश्किलें आ रही हैं, क्या उसी सेल्फ एक्सेप्टेंस से हमारे को क्या हम अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्या हम जितने भी आज के दौर में हमारे को challenges. जी जी, थैंक यू. चैलेंजेस को क्या हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं. थैंक यू सुमन दीदी. सो अगर हम देखा जाए तो इसको हम दो भागों में शायद डिवाइड कर सकते हैं. उससे पहले मैं अपने सवाल से पहले आई थिंक मैं सुमन दीदी से ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि समय मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ समय को देखते हुए. सुमन दीदी, आप व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ एक्सेप्टेंस. Om Shanti, and very good evening to everyone who is part of this conference. Dekhiye, jahan tak topic ka hum baat kare, we will be very concise with the topic. That is, we need to overcome our anxiety through self-acceptance. So, dekhiye, khud ki swikarita, agar hum Hindi bhasha mein ise kehte hain, to khud ko jahan hum swikar karne ki baat karte hain, to pehle hume ye क्लियर होना चाहिए कि ये जो सेल्फ है ये है क्या. हमें ऐसा लगता है कि जो भी हमारे आसपास है, इन फॉर्म ऑफ माय माइंड, मेरा मन जो महसूस करता है, मेरी बुद्धि जो विचार करती है, निर्णय लेती है, परखती है, एंड देन माय संस्कारा जो मेरे बॉडी से एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो भी मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के बाहर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, उसे मैं सेल्फ कहती हूँ. अब ये सेल्फ को अगर हम एक सिंपल भाषा में कहें तो दिस इज मेरा, दिस इज नॉट मी. वट एवर आई एम सीइंग फ्रॉम माय आईज आउटसाइड इज ऑल मेरा. तो जो मेरा है उसे स्वीकार करने के लिए मुझे मैं का ज्ञान होना चाहिए. एंड इफ वी सी आर कंप्लीट पर्सनालिटी कहें या अपना पूरा अस्तित्व अगर हम देखते हैं, तो वी आर नॉट ओनली माइंड इंटेलेक्ट एंड बॉडी, रदर वी आर दैट एनर्जी
which is handling this mind, intellect and body. So ye jo energy hai beyond this man, buddhi aur sanskara ya sharir kahe, us energy ko hum spiritual bhasha mein atma keh sakte hain, us energy ko hum chetna keh sakte hain, us energy ko hum ek higher self keh sakte hain. तो जहां हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, हमें अपनी इस हायर सेल्फ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कमजोर कमजोरी को स्वीकार करेगा तो और कमजोर हो जाएगा. अगर मेरा मन एंजाइटी से वीक है और वो अपनी एंजाइटी को ही स्वीकार कर रहा है, तो उसके पास नो वे आउट टू गेट रिड ऑफ दैट एंजाइटी. अगर हम एक पर्टिकुलर एंजाइटी को ही देखें तो इसका मतलब मुझे अपने अस्तित्व में मेरा से हटकर मैं को जानना होगा, और उस मैं को जानने के लिए मुझे अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को कहें, आध्यात्मिकता को कहें, बाय एनी प्लेटफॉर्म इनकल्केट करना ही होगा. दिस इज ओनली द वे टू गेट रिड ऑफ एनी वीकनेस इन माय माइंड एंड इंटेलेक्ट. तो अब बात आती है कि अगर हम ज्ञान लेते हैं, द ट्रुथ, द ट्रू नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, तो हम अपनी एक हायर सेल्फ को जान पाएंगे, और वो हायर सेल्फ फिर मेरी लोअर सेल्फ, माना मेरे मन के उतार चढ़ाव को, मेरे बुद्धि के उतार चढ़ाव को, मेरे संस्कारा के उतार चढ़ाव को एक तरीके से हैंडल कर पाएगी. इट इज लाइक अगर बच्चा बीमार है तो उसको देखने के लिए पेरेंट चाहिए. पेरेंट विल टेक to the child to the doctor. Child can't go doctor himself because वो तो sick है. तो ऐसे ही मेरे मन, बुद्धि और ये जो इंद्रियां हैं, ये बीमार हैं, ये anxiety में हैं, इनको doctor माना supreme से connect कराने के लिए I need to have knowledge of self and that is a soul, आत्मज्ञान. तो जो हमें सिर्फ आध्यात्मिकता से और spirituality से ही मिल सकता है. अब इसके साथ हम एक पहलू पर और नजर डालते हैं कि हम ये कहें कि जब भी हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे संस्कारा में किसी भी तरह की कमजोरी आती है, हम इसका एग्जाम्पल अपने बॉडी से लेते हैं. सपोज मुझे कहीं पेन है, व्हाट विल आई डू, आई विल टेक सम पेन किलर एंड मैं अब उस पर्टिकुलर ऑर्गन ऑफ माय बॉडी का फिर से यूज करने लगूंगी. से माय लेग एक है, लेग एक हो रहा है, मैंने पेन किलर लिया, माय लेग एक हैज गॉन, बट रूट नहीं गया, वो टेम्परेरी रिलीफ मिला, अगेन मैंने अपने लेग का यूज करना शुरू किया. दैट इन स्पिरिचुअलिटी वी कॉल भोगना. हम अपने आसपास जो भी हमारे मन, बुद्धि, संस्कारा में या बॉडी में होता है, हम उसके भोगने के लिए बहुत अग्रेसिव रहते हैं टू गेट जॉय एंड ब्लिस फ्रॉम दैट भोगना. अगर मैं पेन किलर नहीं लेती हूँ तो वो पेन, जो दर्द है मेरे शरीर में, वो धीरे धीरे मुझे दर्द से दुख होने लगेगा. एंड देन दुख विल अगेन टेक मी टू रोग स्थिति. तो भोग और रोग में ही हमारी फ्लक्चुएशंस चलती हैं. लेकिन आध्यात्मिकता हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म से उठाकर एक योगी स्थिति में लेकर आती है. तो हमें एक तरफ जहां ट्रू नॉलेज की जरूरत है, हु एम आई, एंड सेकेंडली हु विल मेक दिस आई पावरफुल so that this I can handle man, buddhi and sanskara in a positive way. अब बात आ जाती है एक थर्ड और आस्पेक्ट की, इसी के साथ हम समझेंगे कि जब भी हम अपने मेरा को देखते हैं तो हम कंटेंटमेंट फील नहीं करते. हम हमेशा कुछ और भरने की सोचते हैं, ये हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी, ये ऐसे हो जाएगा तो आई विल बी हैप्पी. माना कि हम अपने जीवन के जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट टू एंजॉय है उसको हमेशा पोस्टपोन करते हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बात, ऐसा करते करते जो भी मेरा में एट प्रेजेंट मेरे पास होता है, मुझे वो यूजलेस दिखने लगता है. वट एवर मेरा, माई रिलेशन, माई मेटेरियलिज्म, माई एडुकेशन, माई बॉडी, माई हेल्थ, माई वेल्थ, एवरीथिंग इज यूजलेस. एंग्जाइटी में हम यही टर्म यूज करेंगे, लेकिन हम अगर गहराई से देखेंगे तो इट्स नॉट यूजलेस, रदर इट इज यूज्ड लेस. द वट एवर अवेलेबल इन माय मेरा, इन माय ड्रामा, इन माय मन, बुद्धि, बॉडी, माय विस्तार, आई एम नॉट यूजिंग इट इन अ प्रॉपर वे बिकॉज मैं उसको दुरुपयोग कर रही हूँ. दैट्स व्हाई आई एम इन एंग्जाइटी. अगर मैं उसी मेरा का सदुपयोग करती हूँ the way which it should be used, तो यही मेरा मेरे लिए ब्लिस बन सकता है.
अगेन अब इस दुरुपयोग से सदुपयोग तक हम कैसे आएंगे, अगेन द सेल्फ विल डू दैट, लेकिन ये सेल्फ यानी आत्मा कैसे करेगी, व्हेन दैट आत्मा विल बी कनेक्टेड टू सुप्रीम सोल, दैट इज ऑलमाइटी, जिनको हम अपने जीवन में गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, खुदा के नाम से जानते हैं। तो हमें एंग्जाइटी से दूर होने के लिए, सेल्फ एक्सेप्टेंस तक पहुंचने के लिए नॉलेज ऑफ ट्रू सेल्फ चाहिए। सेकेंड, वी शुड नो हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू कनेक्ट दैट सेल्फ, दैट हायर कॉन्शियसनेस विद दैट सुप्रीम कॉन्शियसनेस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई वुड लाइक टू शेयर दैट आई एम विद ब्रह्मा कुमारी सिंस लास्ट 12 ईयर्स। एंड एक क्रक्स जो मैंने अपने जीवन में सीखा है, बिकॉज एंग्जाइटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप एक बार में उससे ओवरकम हो जाएंगे, वो दोबारा आपके डोर पे नहीं नॉक करेगी। आज के सिनेरियो में अगर आप कहीं पर भी वीक होते हैं, एंग्जाइटी इज रेडी टू एंटर इन योर दिस होम, दिस माइंड, बुद्धि एंड संस्कारा, तो वी हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। तो यहाँ पे परमात्मा ब्रह्मा कुमारी इसमें हमें बहुत सुंदर स्लोगन देते हैं कि बच्चे बच्चे माना, आई द सोल, डोंट फाइट, डोंट फ्लाइट, जस्ट बी लाइट, माइट एंड ब्राइट। तो जब मैं ये हायर कॉन्शियसनेस में आत्मा लाइट हूँ, ब्राइट हूँ, माइट हूँ, तो अपनी पावर से कैसे बन रही हूँ, विद मेडिटेशन, विद सहज राजयोगा प्रैक्टिस विद सुप्रीम सोल, तो मेरी रोशनी, मेरी शक्ति, मेरा प्रकाश मेरे इस मन बुद्धि संस्कारा को सदुपयोग करवाएगा और कभी भी मुझे जीवन में एंग्जाइटी मेरे डोर से अंदर नहीं आ पाएगी। तो इसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि मेरी जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वायरसेस तो अराउंड सराउंडिंग में होंगे बट दे विल नॉट एंटर इन माय ऑरा एंड आई विल बी टोटली फ्री ऑफ एंग्जाइटी, फ्री ऑफ एनी फियर, फ्री ऑफ एनी फाइट एंड फ्री ऑफ एनी फ्लाइट। So this is what I would like to share. Thank you very much. Om Shanti. Thank you. Om Shanti Didi, thank you. बहुत ही सुंदर आपने इतनी briefly इसको explain कर दिया, क्योंकि मेरे को तो goosebumps हो रहे हैं, because I will be candid कि मैं खुद anxiety का शिकार रहा हूँ, और अभी भी जैसे आपने बोला कि ये एक ऐसी ball है जो बार बार आती रहती है, और आप हमेशा bat के साथ तैयार रहें कि कैसे उसको आप stadium के बाहर फेंकें। So ये मेरे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं आपके साथ, और जो प्रैक्टिसेस आप बता रहे हैं वो लगातार करने से इतनी एम्पावरमेंट मिल रही है कि दैट कैन बी अनदर स्टोरी, बट डेफिनेटली बहुत एम्पावरमेंट मिलती है, बहुत हल्कापन महसूस होता है। और कभी भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे पहले आते थे, चैलेंजेस अभी भी आ रहे हैं, पर पहले जब आते थे तो एक फियर होता था, एक कहीं खालीपन लगता था, या एक घबराहट होती थी, या जैसे कि लेट हो जाएंगे, फ्लाइट पे लेट हो जाएंगे, मेरी ट्रैवलिंग बहुत रहती है तो ट्रैफिक में अगर लेट हो रहे हैं तो एंग्जाइटी बढ़ती चली जाएगी, अरे लेट हो गए तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, या प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑपरेशनल इशू हो जाएगा, या अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, यहाँ पे मैं इंटरफेयर फिर करना चाहूंगी। देखिये हमारे मेरा में जो भी है, वट एवर अराउंड मी, इधर आई एम गेटिंग लेट और आई एम ऑन टाइम, वट एवर इट इज, मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है। हम क्या कर रहे हैं, इफ आई एम गेटिंग लेट, मैं समय का दुरुपयोग कर रही हूँ, बिकॉज आई एम क्रिएटिंग एंग्जाइटी इनसाइड। यू नो, हमें वो समय मिला है, वी आर स्टक इन ट्रैफिक, व्हाई डोंट वी मेडिटेट, इट विल बी मोर पावरफुल, और ये पावर ही मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी। सो डेस्टिनेशन वॉन्ट बी द थिंग विच विल गिव मी पावर, अदर आई द पावर बींग विल रीच टू माई डेस्टिनेशन, आई विल स्प्रेड दैट पावर इन माई सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे कंटेंटमेंट का जो एक गुण है वो बहुत काम करता है, संतुष्ट मणि। परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे संतुष्ट मणि बन के रहो, आपके जीवन में जो भी अवेलेबल है आप उसका बेस्ट यूज करें, आप देखेंगे एंजाइटी कहाँ से आ जाएगी। तो अगर हम गहराई से इंट्रोस्पेक्शन सब अपने मेरा में करेंगे विद माय दैट हायर आई, तो हम देखेंगे कि हम अपने जीवन में जो भी हमें मिलता है हम उसका बैड यूज कर रहे हैं। इवन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस फोन, इट कैन मेक सच ब्यूटिफुल कॉन्फ्रेंसेस, इट कैन मेक वन सेल्फ स्क्रोलिंग समथिंग ऑन इंस्टा एंड समथिंग, वो क्या कर रहा है, नथिंग। तो इसीलिए हमें बस वहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना है, वी हैव टू बी कॉन्शियस टू यूज इन अ बेस्ट वे वट एवर अवेलेबल टू मी। और ये कायनात बहुत खूबसूरत है, ये हर किसी को बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट्स देती है,
बस हम गड़बड़ वही कर रहे हैं और एंजाइटी के क्रिएटर हम खुद हैं, कोई नहीं एंजाइटी क्रिएट कर रहा हमारे लिए. सो दिस इज व्हाट ओम शांति. जी थैंक यू, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. रिसोर्सेज को यूज करके, लर्निंग्स को यूज करके धीरे धीरे कम होता जा रहा है. तो अगर मैं लेट भी हो रहा था जैसे आपने बताया, तो वो हल्की की बात है. 3 दिन पहले जब मैं गया था विदेश, तो थोड़ा सा लेट, तो ड्राइवर खुद एंजाइटी में था मेरे साथ जो बैठा था. लेट हो रहा है, मैंने कोई बात नहीं, हमारे को रूट मालूम है, गूगल मैप्स है, रिलैक्स करेंगे और हम टाइम से पहले पहुंच जाएंगे. वो थॉट संकल्प चलने से पहले इनकल्केट किया, उसी थॉट पे चलते रहे और हम वाकई में समय से पहले पहुंच गए, सबसे पहले पहुंच गए क्योंकि ट्रैफिक काफी था, वर्किंग डे था. सो आपकी बात बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली यू आर सो सो वेरी राइट. एंड ये जो आपने बताया, डोंट फाइट फ्लाइट, इसको बारी एक बार रिपीट करेंगे क्योंकि ये स्लोगन अगर स्पीकर्स सॉरी लिसनर्स इसको ध्यान से सुन लेंगे और लिख लेंगे. या बिफोर रिपीटिंग दैट स्लोगन, आई वुड लाइक टू शेयर वन मोर थिंग. यहां पर जो भी अभी शेयर हुआ है, इट्स नॉट माय थिंग्स, इट्स ऑल God's knowledge. I'm just the transmitter. तो मेरा कुछ भी नहीं है, परमात्मा ने कहा, मैंने अप्लाई किया, मुझे बहुत सक्सेस मिला, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि मैं अपने ब्रदर सिस्टर से शेयर करूं ताकि हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो. सो द स्लोगन इज डोंट फाइट, डोंट फ्लाइट, जस्ट बी लाइट, माइट एंड ब्राइट. डोंट फाइट, डोंट फ्लाइट, फ्लाइट माना भागना. कई बार होता है ना, हम अपने जगह से भागने की सोचते हैं, छोड़ो यार. इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज अ बिग सिन, डोंट इग्नोर एनीथिंग, व्हाटएवर कमिंग टू यू अटेंड इट विद पावर, विद क्लैरिटी. सो नो नो, डोंट फाइट, डोंट फ्लाइट, जस्ट बी लाइट, माइट एंड ब्राइट. दैट विल मेक अदर्स ऑल्सो लाइट, माइट एंड ब्राइट. या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल. ओम शांति. ब्रदर कैन यू हियर अस? आई थिंक आपकी वीडियो थोड़ी सी हैंग हो रही है. ओके, आई थिंक रमन भाई साहब, व्हाट वुड यू थिंक अबाउट द सेम थिंग? बहुत इंटरेस्टिंग सिस्टर ने कहा है, काइंडली पुट इन सम लाइट ऑन दिस. वंडरफुल सिस्टर सुमन, इट्स अ वंडरफुल हियरिंग यू. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म में फिर मुलाकात तो होता ही रहता है, लेकिन ये ऐसा मुलाकात है जो कल पहले भी हुआ था शायद, और अभी भी हो रहा है. मेरा थोड़ा सा इस पर मेरा पर्सनल में आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो हमारा जो मन का सबकॉन्शियस माइंड है, उसको मैं अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त और जागते ही उससे मैं बातचीत करता हूं कि यू आर ऑल राइट डार्लिंग, यू आर just wonderful, you are a unique. 400,000 soul get birth is 24 hour, 173,000 they just passed aur woh nikal jate hain sharir se. To main abhi jeevit hu, to mera role aur goal kya hai, what is my ultimate goal and role? So let's say abhi mera 45 years aur main jeena chahta hu, तो उसमें से 15 साल तो मेरे को रेस्ट करते, इधर उधर करते, फिर चला जाएगा टाइम. फिर 30 साल बाकी रहा, उसमें से फिर मैं थोड़ा सा और बात कुछ करूं तो फिर साल बाकी रह जाएगा. तो सब करते करते मेरे पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि एंजाइटी को लेकर के मैं चलूं. तो मैंने डिसाइड कर दिया कि आई एम द हैप्पीएस्ट, हेल्दीएस्ट एंड वेल्दीएस्ट सोल इन दिस ब्यूटिफुल अर्थ. जो देने वाले है उन्होंने लुटा ही दिया, तेरे को तो मेरे को क्यों कंप्लेन करना है, मेरे को एक्सेप्ट करना है. तनिका सिस्टर काइंडली गो अहेड. भाई साहब आपको थोड़ा इंटरनेट ठीक हो जाए, वी विल गेट बैक टू यू. भाई साहब लेट्स टेक द सेशन अहेड. तनिका सिस्टर काइंडली गो अहेड. या या या, थैंक यू सो मच ब्रदर. ओम शांति. एम आई ऑडिबल टू ऑल? आवाज ठीक है? हां जी. ओके ओके. Yeah, I'll continue and take over from Suman Bhan. Thank you so much
Nidhi, for sharing such beautiful thoughts. And actually, that is the wisdom. And I've been very fortunate ki Reiki aur Rajyog dono ke saath main bahut kheli hu. And iske saath mujhe jo experience hue hain, it's actually amazing. And of course, thanks to that universal energy, the supreme power, hum sabke upar jo baithi hai. तो एंड ऑफ कोर्स आई कैन नॉट अग्री मोर टू सुमन दीदी, जैसे आपने बोला कि अपने आप को जानना बहुत जरूरी है. तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज द रूट फॉर एनी टाइप ऑफ हीलिंग, बी इट मेंटल, इमोशनल, फिजिकल का भी, फिजिकल एलिमेंट की भी, स्वयं को स्वीकारना. परंतु स्वीकारने से पहले पहले जानना होगा सेल्फ अवेयरनेस कि, क्योंकि देखिए अगर हम किसी हीलिंग मतलब क्या होता है ना, हीलिंग मतलब होता है किसी खराब चीज को वापस उसको ठीक फॉर्म में लाना, ओरिजिनल फॉर्म में लाना. तो अगर हमें ओरिजिनल फॉर्म का पता ही नहीं होगा कि ओरिजिनल फॉर्म है क्या, तो हम ठीक करेंगे भी तो पर लक्ष्य क्या होगा, है ना, हमें कहाँ किस चीज से वापस लेके आना है ठीक में. सो लेट्स बी अवेयर ऑफ आवर ट्रू सेल्फ कि मैं हूं कौन. तो जैसे रेकी में भी हम करते हैं कि ये शरीर है, शरीर के अंदर का जो शरीर है वो ऑरा, दीदी ने भी ये शब्द यूज किया, ऑरा, हमारी ऑरा में वापस चिंता ना सताए, चिंता ना आए. तो ये शरीर हर किसी के शरीर के अंदर, इसमें प्रकृति भेदभाव नहीं करती, हर शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसको हम ऑरा, आभा मंडल बोलते हैं. एंड ये एनर्जी फील्ड होती है, ये एनर्जी फील्ड चलती रहती है. अभी ये लाइट का शरीर होता है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं. तो द ब्यूटीफुल पार्ट हियर इज ये ओरिजिनली लाइट का है, लाइट, जैसे आपने बोला ना, बी लाइट, ब्राइट एंड माइट. सो ये ओरिजिनली लाइट का ही है. और परंतु होता क्या है कि हमारी नेगेटिव टेंडेंसीज में उलझने से हमारा एक एक थॉट, एक एक कर्म, हमारे अंदर एनर्जी, तरंगे, वाइब्रेशंस कह लीजिए, वो ऊर्जा रिलीज करता है. तो वो कर्म अगर नेगेटिव टेंडेंसी का है, सबको, हम सब जानते ही हैं कि यही फियर, एंग्जाइटी, लो फील करना एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंगर, ग्रीड, काम विकार, लस्ट, ईगो, अटैचमेंट, जेलिसी, घृणा भाव, बहुत है, बहुत. तो ये इन टेंडेंसीज में हम जब उलझ के कर्म में आते हैं, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम थॉट लेवल, तो ये ऑरा जो है ये डार्क होने लगता है. और इसका वाइस वर्सा, ब्राइट, हमें ब्राइट करना है, तो इसका वाइस वर्सा भी सत्य है कि मैं अगर अपने सत्य फॉर्म में, लाइट फॉर्म में रहूंगी तो ये और ब्राइट होगा. कर्म तो हम सब ने करने हैं, थॉट हम सब ने क्रिएट करने हैं. तो थॉट लेवल टू एक्शन लेवल अगर ये श्रेष्ठ कर्म होंगे, दुआएं कमाएंगे हम आपस में, पॉजिटिव थिंकिंग, एलिवेटेड थिंकिंग, डिवाइन कनेक्शन करेंगे, तो डेफिनेटली हम ब्राइटर होते जाएंगे. एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो रेकी से है, एंड देन वी कैन रिलेट टू राजयोग एज वेल, कि हमारे इस इसी आभा मंडल में, ऑरा में, 7 फोकस्ड पॉइंट्स होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बॉटम. ये 7 चक्रा आर ऑफ कोर्स विद 7 डिफरेंट कलर्स, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही कलर होता है जैसे रेनबो में दिखता है. विबग्योर बोलते हैं ना, रेड रूट चक्र ऊपर, नाभि से 3 उंगली नीचे स्वाधिष्ठान चक्र ऑरेंज, नाभि से 3 उंगली ऊपर मणिपुर चक्र येलो कलर, फिर हार्ट चक्र ग्रीन कलर, फिर विशुद्धि चक्र ब्लू कलर, अजना चक्र इंडिगो एंड क्राउन चक्र वायलेट कलर. एक एक चक्र जो केंद्रित पॉइंट्स है हमारे इस ऑरा के अंदर, वो किसी ना किसी प्राप्ति का, किसी ना किसी शक्ति का एक सूचक है, एक सिंबल है, मतलब उस वाली शक्ति का फोकस्ड पॉइंट होता है शरीर के अंदर. तो ये वाली जो पॉइंट्स, अब हम एक टर्म यूज करते हैं ब्लॉकेज, कि हम जब हीलिंग में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये वाला चक्र ब्लॉक है, ये वाला चक्र ब्लॉक है. तो फॉर एग्जाम्पल अभी इस सत्र में एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं, तो एंग्जाइटी, चिंता होती है ये स्वाधिष्ठान ऑरेंज चक्र की ब्लॉकेज से. ब्लॉकेज का मतलब ही यही होता है कि कूड़ा, करकट, जैसे ना नाली ब्लॉक हो गई है, तो इसका मतलब कूड़ा आ गया है, तो वो अनवांटेड, अनडिजायरेबल चीज आ चुकी है, उसको हटाना है ना. तो इसका मतलब हमारे लिए, हमारे इस अंदर के जो मैकेनिज्म है उसके लिए ये अनवांटेड चीजें हैं, सारी नेगेटिव टेंडेंसीज, ये अनडिजायरेबल है, ये ब्लॉक कर देती है,
और इसका उल्टा भी बहुत सत्य है कि मतलब जो सही रूप है स्वाधिष्ठान चक्र जब अनब्लॉक्ड होता है, जब ब्राइट होता है, लाइट होता है, तो कॉन्फिडेंस आता है हमारी पर्सनैलिटी में। एंड ऑफकोर्स जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमें चिंता होगी। कॉन्फिडेंट का मतलब भी यही है कि हमें निश्चय है। हम जब पेपर देने जाते थे तो हम जिसने पूरी पढ़ाई पढ़ी होती तो वो वेट करता है कि यार ये क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, फटाफट फटाफट मैं सब आंसर कर दूं। क्यों? मैंने सारा पढ़ा है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। जो थोड़े हल्के हो जाते हैं, नहीं अपना रिविजन कर पाते हैं, उनको चिंता सताती है, उनको फिर पेपर लिखने में भी चिंता, रिजल्ट में भी चिंता, ये हो जाता है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल अंदर का जो मैकेनिज्म है, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट ऑल द टाइम। हम इसी में लॉस कर लेते, जैसे दीदी ने हमें समझाया कि यूजलेस नहीं, यूज्ड लेस है और सही तरीके से, और अब्यूज है उसका। तो हम अपने साथ लेट्स बी वेरी काइंड टू आवर सेल्फ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है रेकी का, जो बहुत ही ब्यूटीफुली राजयोग परमात्मा की शिक्षाओं को इतनी सुंदर तरीके से सपोर्ट और रिलेट करता है, कि ये जो सातों कलर हैं, ये साइंस में हमने पढ़ा था बचपन में कि जब अगर किसी व्हील पे ये सातों कलर देखें एक साथ, विबग्योर वाले, रेनबो वाले, इस व्हील को घुमाएंगे तो ये कौन सा कलर आता है? व्हाइट। तो दैट व्हाइट कलर इज आई द सोल, मतलब सार रूप, सीड की जड़ क्या है। दीदी ने बोला कि जड़ को हिट करना है, वाकई जड़ को हिट करना है कि आई द सोल आई एम द क्रिएटर, आई एम द एसेंस ऑफ ऑल दिस, पूरी की पूरी अंदर का जो मैकेनिज्म है। मैं क्या सोचती हूँ वो मेरी जिम्मेवारी है, मैं सोच रही हूँ मेरी क्रिएशन है। और हम सबको इस सातों पॉइंट से रिलेटेड, जैसे अगर अजना चक्र जब खुलता है तो हमारी विजडम, हमारा सोच विचार इतनी इंटेलेक्चुअल हो जाती है, वी आर सो एक्यूरेट इन आवर डिसीजंस। हम बहुत ज्यादा, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते अपने डिसीजंस के लिए। तो हमें ये सब चाहिए ना, हमें और डिक्लाइन तो नहीं चाहिए, तो हमें ये सब चाहिए। इसलिए हम रेकी हीलिंग क्या करती है, रेकी हीलिंग में हम परमात्मा की ही, जिनको हम यूनिवर्सल हीलर पुकारते हैं, उनकी शक्ति हम अपने हाथों में हार्नेस करते हैं, चैनल करते हैं इन हाथों में भर के उस सीकर पे जो हमारे सामने आते हैं हीलिंग के लिए। इट यू कैन ऑल्सो कॉल इट अ दुआ, कि फोकस्ड दुआ है ये, और उनको हेल्प मिलती है कि वो लाइट होते रहे, जहां जहां ब्लॉकेज है वो लाइट होते रहते हैं। फिर ये लाइट होना इट्स लाइक कि जैसे कोई बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा कीचड़ में लिपटा हुआ आ गया है मम्मी के पास, तो मम्मी बस एक शावर ऑन कर देंगी ऊपर से, तो बच्चे को जो हेल्प मिलेगी लाइट होने में, उसके कीचड़ उतर जाएगा, वो हल्का फील करेगा। हाँ जी, करना सीकर को ही है। हम रेकी में काउंसलिंग भी देते हैं साथ साथ कि करना आपको है, हम आपके बस ये कि सपोर्ट बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, आपको हल्का रख सकते हैं, परंतु पूरा, दीदी ने बहुत ब्यूटीफुली कहा ना कि नॉक करने बैठे हुए हैं सारे उल्टे नेगेटिव टेंडेंसीज आर हियर टू नॉक एट एनी टाइम। तो आपको अपनी लुक आफ्टर करनी है, वी आर हियर टू हेल्प। मोर ओवर परमात्मा अब आ चुके हैं एज अ यूनिवर्सल हीलर टू हील अस। तो अगर हमको अपनी और तो नहीं बिगड़ना, किसी को और असफलता या और दुख और अशांति चाहिए? आई डोंट थिंक सो, किसी को और चाहिए। तो इसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस हीलिंग के लिए आई वुड से कि एक और चीज हमें बहुत जरूरी चाहिए अवेयरनेस के साथ, समय की पहचान। कि जितना गिरना था ना, जितना मैला होना था, हम सब ने बहुत कुछ किया हुआ है। लेट्स एक्सेप्ट आवर सेल्फ्स पास्ट, बहुत कुछ किया हुआ है, हो गया, वो वाला दौर निकल गया है, अब है हीलिंग का दौर। क्योंकि why are we here? और ये एक प्लेटफॉर्म थोड़ी है, कितने प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, कितनी मेडिटेशन की आवश्यकता है, इतनी हीलिंग की आवश्यकता है। सो दिस इज अ साइन एंड लेट्स टेक दिस साइन। और हम और ही चिंता, अगर चिंता करते हैं हाँ ये और ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर वही वाइब क्रिएट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए। चलो भेजो वो वाइब डार्कनेस वाली बाहर गए यूनिवर्स में, और फिर हमें वैसे वैसे सीन्स दिखेंगे, है ना। हमारे अंदर का जो संसार है वो बाहर का ही एक रिफ्लेक्शन, मतलब बाहर की रिफ्लेक्शन हमारे अंदर है। सो अगर हम बीज का ख्याल रखेंगे, पूरा पेड़ जो हमें दिखता है आंखों से, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली संभालेगा। वी डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट आउटसाइड, लेट्स गो बैक टू द कोर। टाइम इज नाउ टू गो बैक टू द कोर।
हील आवर सेल्व्स उस परम शक्ति से जुड़कर हीलिंग लें और दूसरों को भी हीलिंग दें. आई वुड जस्ट लाइक टू एड अनदर वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे इसी इंद्रधनुष को लेके, कि जैसे हम रेकी में एक एक उस पर फोकस देते हैं या हीलिंग भेजते हैं, तो राजयोग में जो परमात्मा की एक ही बूंद पे जो उसकी एनर्जी पड़ती है वो देखिए कैसे वर्क कर रही है. कि ये फिजिकल रेनबो बनता है सूर्य की एक किरण से, बारिश की एक बूंद पे जब वो गुजरती है तो रेनबो बन जाता है ना. तो परमात्मा की जब एक एक किरण मुझ आत्मा पर पड़ती है तो ऑटोमेटिकली पूरे सातों चक्र इतने सुंदर ब्यूटिफुली निखर के आते हैं, ये लाइट माइट ब्राइट सब कुछ सहज हो जाता है, बहुत सहज हो जाता है. पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल द लिसनर्स हियर, कि अपने साथ काइंडनेस रखें, बी काइंड टू ईच वन अराउंड अस, फर्स्ट योर सेल्फ एंड टेक दिस हीलिंग, अपने आप अपने लिए सेल्फ हीलिंग करिए, जुड़िए अपने आप से, गो बैक टू द कोर, अब और नहीं गिरना. थैंक यू सो मच एवरी वन. आई थिंक समय का हमें ध्यान रखना है. हाँ जी सिस्टर, बहुत ही सुंदर आपने कहा तनिका सिस्टर, थैंक यू सो मच. एक चीज ऐसे आती है दिमाग में सिस्टर, कि ठीक है आपने जैसे कहा कि हम बहुत मैले हो गए हैं तो अभी मैलापन निकालना है और फिर से गिरना नहीं है. तो जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे हैं यहाँ पे लिसनर्स जिन्हों को पता है कि कल ही मुझसे इतने सारे पाप हुए, मैंने इतना गंदा बोल दिया किसी को, किसी के साथ में मैंने इतना बुरा कर दिया, या कुछ 10 साल पहले मैंने बुरी चीजें करी थी वो याद आ जाती है घड़ी घड़ी. अब जैसे मेडिटेशन में ही हम बैठते हैं तो कभी कभी याद आती है वो सारी चीजें, काश ऐसा ना किया होता, काश ऐसा ना बोला होता. तो उस चीज को एक्सेप्ट करना काफी लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है. तो मैं आप ही स्पीकर्स के साथ में, तनिका सिस्टर एंड सुमन दीदी एंड रमन भाई सब भी साथ में हैं, आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसा हम क्या यूज करें, ऐसे कौन सी हम मेडिटेशन यूज करें, कौन सी ऐसी थॉट्स यूज करें ताकि हम अपने पुराने को जो हमने किया उसको भी हम एक्सेप्ट कर पाए. क्योंकि आगे बढ़ने के लिए पीछे से बोलते ना, बर्न योर ब्रिजेस बिफोर यू मूव अहेड. तो वो पुराने जो ब्रिजेस हैं उनके ऊपर हम बैठ के नजारे देखते रहते हैं, ये किया मैंने, वो किया मैंने, ऐसे किया, मैं इतना अच्छा नहीं, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ. इनको कैसे हम ओवरकम करें, क्या चीज है जो मेडिटेशन सिखाती है? So, मेरा इंटरनेट अभी ठीक है, इसका एंजाइटी में ही मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, यस यस, ऑलराइट. तो मैं पहले वाले बात को ही खत्म कर देता हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर मेरे में यहाँ थॉट आया कि मैंने ऐसा ऐसा किया था कल, तो मैं इसी टाइम उनको याद करके मैं उनसे माफी भी मांग लूं और उनको भी माफ भी कर दूं. और फिर ऐसा एक कहावत है, सोने से पहले आप खुद को एक्सक्यूज करेंगे और दूसरों को माफ कर देंगे तो सोते सोते समय फिर जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो भी आपको और उनको माफ कर देंगे. हम अपने बारे में कैसा सोचते हैं तो उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस जो एक टूल है वो वाकई ही में बहुत बहुत, परंतु इसको एक दवाई की तरह निगलना पड़ेगा. और इसको जैसे कि दवाई हमारे रोम रोम में जैसे ग्लूकोज चढ़ाते हैं, तो ऐसे रोम रोम में वो अंदर जाना चाहिए. इस तरीके से एक्सेप्ट करना होगा कि मैं एक्चुअली में हूँ कौन. हमने देखा ना कि ऑरा भी जो है वो इतना लाइट है, ओरिजिनली लाइट है. तो हर आत्मा ओरिजिनली बहुत पवित्र है, बहुत लाइट है. ये हम मैल, कोई बात नहीं, सब मैले होते हैं. हम जर्नी पे निकलते हैं बाहर, किसी से कुछ हो जाता है, किसी से कुछ हो जाता है, और हो चुका, और हो चुका है. मैं तो कहूंगी कि इसको तो समय पे डाल दीजिए, क्योंकि हमें अपनी हीलिंग करनी है, यू नो, हमें एक टूल लेना ही है. अब भाई वो आता है ना, जैसे वेदर चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, समर विंटर, अभी विंटर चल रहा है तो विंटर के अकॉर्डिंग सब कुछ भी हमको बाहर शॉप्स में भी स्वेटर्स मिलने लगते हैं, जैकेट्स मिलने लगती हैं. सो कॉल ऑफ टाइम, कॉल ऑफ टाइम, उसको गिरने को, अगर कल भी हुआ है ना, अगर पिछले अभी पिछले सेकंड में ही हो गया, समय पे डाल दीजिए समय पे. अपने साथ काइंडनेस रखिए हीलिंग के मामले में, अपने आप को वापस लाइट के मामले में. कोई भी युक्ति, कोई भी टूल आपको काम आ रहा है वो लीजिए, परंतु अपलिफ्टमेंट में रहिएगा, इससे नहीं दूर होना. एक तो क्योंकि ये कोई इल्यूजन नहीं है कि मेरा सत्य स्वरूप इतना पवित्र है, मेरा सत्य स्वरूप इतना लाइट है, ये कोई इल्यूजन नहीं है. इसीलिए तो हमें बार 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 अर्ज होती है कि मुझे पीस चाहिए, मुझे भी सुख चाहिए, मुझे भी शांति चाहिए, आई वॉन्ट गुड रिलेशंस. वाई?
क्योंकि अर्ज होती ही उसको है जो उससे बना हुआ होता है. अगर मैं बनी हूँ शांति से, अगर मैं हूँ ही शांत स्वरूप, अगर मैं हूँ ही पवित्र स्वरूप, तो मुझे अर्ज होएगी जब मैं मैली होंगी, मुझे अर्ज होएगी कि मैं वापस किसी भी तरीके से मैं वापस पवित्र हो जाऊं. सो अपने आप को ये एक ये एक्सेप्टेंस तो जरूर देनी है कि मैं ओरिजिनली लाइट हूँ. बहुत ही बढ़िया ब्रदर, आप कुछ पूछना चाहेंगे अनुराग ब्रदर? सुमन दीदी और आप सब लोग जो हैं वो बहुत सुंदर बातें कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना कुछ टेक्निकल जार्गन्स हैं. अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा नॉन बीके प्रोस्पेक्टिव से. कुछ हो सकता है भाई बहन यहाँ पर ऐसे हैं जो नॉन बीके हों और हमसे जुड़े हुए हों या बाद में सुनना चाहें, तो ये जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ना, ये मैं तो यूज मैं समझ पा रहा हूँ, बट अगर मैं पिछले 7 महीने 8 महीने साल पहले चला जाता तो मुझे समझ में नहीं आता आप क्या कह रहे हैं. हवा से उड़ती जाती हैं सारी बातें, राइट? सो अगर आप उसको थोड़े से सिंप्लीफाइड वर्ड में यूज करें नॉन डीकेस के लिए, बता पाएं कि अगर आप जो कह रहे हैं, जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं वो, जैसे भाई साहब भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, अभी आपके पास आएंगे भाई साहब जी, आपके पास आएंगे, जरूर आएंगे, हम क्वेश्चंस लेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस जरूर लेंगे सेशन के बाद. आपका हाथ मैंने देख लिया, आप वेव कर रहे हैं. पॉइंट मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी में, आज की डेट में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है, कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिनका मेरे को मालूम नहीं है कि सोल्यूशन क्या है. अब वो कहीं ना कहीं ईगो, जैसे आपने बताया, या अहंकार, या कहीं ना कहीं एक एक हमारी हमारी सोच होती है, यार ये तो सब ठीक है, नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है. एक ये सोच होती है, या एक सोच होती है कि कोई प्रॉब्लम तो है पर मैं बात कैसे करूं, मैं किससे शेयर करूं इस बारे में, एंजाइटी के बारे में, या उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, या वो प्रॉब्लम वाकई में अगर है तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं. तो जैसे आप लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बता रहे हैं, बट इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए बहुत सिंपल भाषा में, कि मुझे एंजाइटी है वाकई में. क्योंकि मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि कुछ महीने पहले तक या कुछ साल पहले तक मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे एंजाइटी है, या मैं उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा था, या अगर मुझे कोई और भी मेंटल चैलेंजेस थे सेल्फ एक्सेप्टेंस के, जो मैं आज बहुत मेरा आत्मविश्वास बहुत लो था, या मैं बहुत स्ट्रेस में रहता था, या मैं बहुत सारे और आयाम थे जिनको मैं समझ ही नहीं पा रहा था. बट इट इज ओनली थ्रू रेगुलर काउंसलिंग, थ्रू रेगुलर थेरेपी, थ्रू रेगुलर मेडिटेशन, राजयोगा के डिफरेंट डिफरेंट आयाम को मैं समझ कर, अलग अलग प्रोसेस को समझ के, मैं आज बहुत बेहतर लेवल पे हूँ. तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि क्या कोई, आप शायद आप तनिका दीदी या सुमन दीदी, आप इसको आंसर कि उसको आइडेंटिफाई करें, और अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो क्या हम नेक्स्ट लेवल पे उसको रिजॉल्व कैसे करें, ये मेरा एक थॉट था. सो आई थिंक अनुराग दादा, आप एक पर्टिकुलर कोई सिचुएशन ले लें, जैसे रिलेशनशिप्स में एंग्जायटी होती किसी किसी को कि आई डोंट नो ये मेरे को पसंद करेगा नहीं करेगा ये व्यक्ति, या यू नो बच्चों को भी होता है पेरेंट्स के साथ में कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते, एंड वो क्या होता है एक्सेप्टेंस ना मिलने से वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, बल्कि किसी और की एक्सेप्टेंस मिल जाती है, फ्रेंड्स की मिल जाती है, चाहे वो अच्छी आदतों वाले हो ना हो, उधर एक्सेप्टेंस मिल जाती है. सो रिलेशनशिप्स में भी अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करें कि हम इतने अच्छे हों कि लोग हमें प्यार करना शुरू कर दें. आई थिंक वी कैन पुट अप फॉर ईच एरिया, रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड सो मेनी थिंग्स. सो वी विल पुट दिस क्वेश्चन ऑन. आप 3 स्पीकर्स हैं, काइंडली टेक अहेड. इफ यू वॉन्ट टू सी द रिलेशंस, राइट, एंग्जाइटी बिकॉज ऑफ रिलेशंस, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेरे से जो संबंधित रिश्ते हैं वो हैं क्यों, उनकी उपस्थिति मेरे जीवन में किस लिए है. अगर मैं ये समझूंगी कि इनकी उपस्थिति मुझे कुछ प्राप्तियां कराने के लिए है, तो सबसे पहले तो यही थॉट बहुत वीक है, क्योंकि अगर मैं किसी से कुछ लेना चाहती हूँ तो मैं हो गई डिपेंडेंट. अब उनके मूड में जब होगा तब वो मुझे देंगे, अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो वो मेरे से बिहेव भी अच्छा नहीं करेंगे. तो आई हैव टू चेक माई डिपेंडेंसी, मेरी निर्भरता इस मेरा में, अगेन आई विल टेक द सेम वर्ड, मैं इस मेरा पर कितनी निर्भर हूँ. दूसरी बात है कि हम क्या करते हैं, एक रिश्ते को ओवर बर्डन करते हैं,
that relation will give me financial support, that relation will give me, will heal my time, that relation will heal my emotions, that relation will give me everything, whatever I want. So this is like ek kamzor kandhon pe hum apni praptiyon ka itna bojha dal rahe hain. To wo relation jo ek cheez hame de sakta hai, wo dene ki condition mein bhi nahi rehta hai. This is making other overburdened with our desires. तो ये इस तरीके से जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें घूम फिर के कहानी क्या समझ में आती है कि हर जगह पर रीजन मैं हूँ, मेरी कमजोरियां हैं. एंड इफ आई वर्क ऑन माय वीकनेसेस तो मैं लेने की बजाय देने के मोड में आ जाती हूँ. इफ आई स्टार्ट गिविंग, ये लॉ है प्रकृति का कि हम जो देंगे हमें घूम के वही मिलेगा. तो स्टार्ट कौन करेगा? वो स्टार्ट अगर मैं ही कर दूं तो विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी यू नो रीजन, आई विल रिसीव द सेम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. तो मुझे अपनी डिपेंडेंसी को गहराई से इंट्रोस्पेक्ट करना है कि मैं जिससे जो चाह रही हूँ क्या उनके पास वो देने के लिए है भी. अगर है तो वो अपनी मूड से ही देंगे, अगेन द सेम थिंग. तो फिर मुझे वहां देखना है जहां ये बिंदास अवेलेबल है, बियॉन्ड लिमिट. तो हालांकि अनुराग भाई ने बोला है कि आप ऐसे टर्म नहीं यूज करें, लेकिन विदाउट टर्म भी अगर हम गहराई में जाएंगे तो एवरीथिंग इज अवेलेबल माय इनसाइड. बस मुझे वो ट्रेवलिंग नहीं आती, मुझे वो आई शुड यूज द टर्म मेडिटेशन, योग करना नहीं आता, दैट्स व्हाई आई एम समवेयर लैगिंग बिहाइंड. सो आई हैव टू चेक माय डिपेंडेंसी, इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू शेयर. And to whom I am dependent. उनके पास होगा तो ही तो देंगे, नहीं है तो कहाँ से दे देंगे. This is how we can check out our relation. Beautiful, Didi ji. Yeah, beautiful, Didi ji. और अनुराग ब्रदर, क्वेश्चन था कि मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास में एंजाइटी है. सो जैसे थिंकिंग में सोल्यूशन नहीं आना और प्रॉब्लम ज्यादा आना, और फिर कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में मधुरता नहीं होना, और व्यवहार में कुछ परिवर्तन और चेंजेस होना और इजी नहीं होना, डिस्कम्फर्ट होना ही पता चलता है कि मेरे पास में एंजाइटी है. हाँ जी. सो एक और चीज लेना चाहेंगे इसमें, जैसे सिस्टर ने कहा कि रिलेशनशिप्स में हम मांगते रहते हैं औरों से, है ना, मेरी ये सारी फुलफिलमेंट कर दे, तो उस कारण से भी एंजाइटी हो सकती है हमें. जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हमें एंजाइटी होती है, एंड फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते थे कि मेरी सेल्फ वर्थ सच्ची में है कि नहीं है, कि मेरी ये सारी जो इच्छाएं थी पूरी नहीं करी, दैट मींस दिस पर्सन डजंट एक्चुअली एक्सेप्ट मी, ये मुझे प्यार नहीं करता, मुझे नहीं, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता क्योंकि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करता है. तो कहीं ना कहीं हम जब औरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमारी स्व की स्वीकृति भी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है. Are we right? Right, right, yes. Brother. Right. Okay, so solution means हमें औरों पे डिपेंड नहीं होना. तो आपने कहा जैसे कि हमें एक अपने ऊपर डिपेंड होना है, एंड औरों के ऊपर भी डिपेंड नहीं होकर के, तो किस पे डिपेंड करें हम? On whom should we depend? वो अंदर जनरेट कैसे करें वो क्वालिटीज कि हम अपने ऊपर ही डिपेंड हो? राइट. इसमें देखिए ब्रदर, एक चीज हमें समझनी होगी, जो कुछ भी इस प्रकृति में है, राइट, प्रकृति माना materialistic world, even my relation, whatever available around me, they can give me some financial support, they can provide me some materialistic thing, लेकिन उन चीजों के पीछे जो मैं चाह रही हूँ कि ये चीजें मुझे सुख देंगी, इनकी कंपनी से मुझे शांति मिलेगी, वो फिर भी नहीं मिलेगी. कोई अगर सारा दिन भी आपके साथ रहे, सपोज कोई रिलेशन आपको टाइम नहीं देता, यू लुकिंग फॉरवर्ड की तो मुझे समय नहीं देते, एंड ही और शी स्टार्ट गिविंग यू टाइम, वो 24 आवर आपके बगल में बैठे हैं, थोड़े टाइम में आप खुद ही इरिटेट होने लग जाएंगे कि आपके पास और कुछ काम करने को नहीं है, वाई आर सिटिंग बिहाइंड मी सिंस सो मच सो लॉन्ग टाइम. तो कहने का भाव क्या है कि हमें ये बहुत बड़ा मिथ है कि बाहर की चीजों से हमें सुख शांति जैसी सटल ब्लिस मिल सकता है. बाहर की चीजें हमें सिर्फ प्राकृतिक सपोर्ट देती हैं. हमें ये क्लैरिटी लानी है अपने इस ब्रिज जो बीच में हम नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, कि कोई भी मेटेरियलिज्म, इंक्लूडिंग माय रिलेशन, इंक्लूडिंग व्हाटएवर आई हैव,
they can provide me at solid level, not at subtle level. Subtle level ki bharpurta, ye self ki jiski hum baat kar rahe hain, atma, jo main hoon, jiska ye mera hai, wo already filled hai. Jaise ki abhi Tanika sister ne bhi bola ki ye koi illusion nahi hai. I am already a peace, not a, देखो मुझे पीस की जरूरत ही नहीं है बाहर से, मैं तो हूं ही शांति. लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें बाहर से खुद को डिटैच करके, जैसे एक कहते हैं मेडिटेशन फील्ड में कि इफ योर एज इज 40 जस्ट गिव 40 मिनट्स इन 24 आवर्स फॉर मेडिटेशन, इफ यू आर 20 जस्ट गिव 20 मिनट्स, 40 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इफ यू लर्न राजयोग. इट्स जस्ट अ सिंपल टेक्निक इन द स्टार्टिंग, यू जस्ट लर्न फ्रॉम एनी ब्रह्मा कुमारी सेंटर एंड जस्ट गिव 40 minutes if you are 40, and that will you know decorate your other 23 hours and 20 minutes. So it's not ghate ka soda, it's a very beautiful soda. Just for 40 minutes you are spreading that peace around. So ye to karna hi padega, jaise kuch hoti hai na terms and condition of life, bhai ye to karna hi padega. So meditation is not a choice at this period of time. Jaise Tanika sister ne kaha, hame samay ko samajhna padega. It's a compulsion for every soul to learn meditation, to learn Sahaj Raj Yoga. So, Anurag brother, I think, aur dikhne lagega. Definitely. Anurag brother, I think what sister is trying to say ki atma atma se connect ho jaye. Matlab ki hum apne aap se connect ho jayenge, to anxiety ya dependency on other, jaise kehte na Atmanirbhar Bharat. So, Atmanirbhar Bharat hona matlab pehle khud ko apne upar nirbhar banaye. हम आत्माएं अपने ऊपर पहले निर्भर हो, अपने अंदर की क्वालिटीज को ढूंढे ताकि वो क्वालिटीज के ऊपर हम डिपेंडेंट हो. एंड आजकल देखा जाए तो यूथ जो है, यूथ इज डिपेंडेंट अपॉन, ज्यादातर जो देखा जा रहा है कि बाहरी चीजों के ऊपर, चाहे वो अपने फिजिकल लुक्स हो, चाहे वो अपने वेल्थ हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गैजेट्स हो, तो ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होने से हमारे अंदर एंग्जाइटी और बढ़ सकती है मेरे ख्याल से. Bilkul, as compared to other things in our life, which are more powerful and more stronger and more reliable and permanent. Hai. So anxiety, huh? Yes. Jo aapka, sorry, if I may, just aap jo keh rahe thought, anxiety kaise bhar sakti youth ki? Kyunki agar apni appearance ko leke Facebook ya Instagram pe photograph dali aur wahan par like nahi aaya, arey like nahi aaya, 100 like aaye the last. ये कैसे हो गया? So, वो है, वो आप I think कह रहे हैं, चाह रहे हैं, right? ये is it what you're saying? क्या मैं correlate कर पा रहा हूँ आपसे? Right, that is what I'm trying to say. How to move from there, कि realize हो कि नहीं, ये चीजें जैसे कहा ना sister Tanika ने कि थक जाना एक time के बाद में, कि बहुत हो गया, अब इन चीजों पे dependent नहीं रहना है, ये चीजें मुझे सुख नहीं दे सकती हैं. एंड इन्हीं चीजों को पाने के लिए, इन्हीं चीजों के पीछे भागने के कारण हम इतनी गलतियां कर देते हैं. तो रमन भाई साहब ने कहा कि हमें माफी मांगनी बहुत जरूरत है, कि हम इतनी गलतियां कर देते हैं इन चीजों को पाने के लिए, चाहे किसी से रिस्पेक्ट पाने के लिए, लाइक्स भी पाने के लिए हम किसी और को डिसलाइक कर देते हैं. किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया तो हम दूसरे का फोन नहीं उठाते हैं, देखते रहते हैं फोन सामने आ रहा है लेकिन मैं नहीं उठाऊंगा, इसने मेरा 5 मिनट बाद फोन उठाया तो मैं भी 10 मिनट बाद फोन उठाऊंगा इसका. सो यू नो हम इतने एंग्जाइटी में ऑलरेडी रह रहे होते हैं, इतना सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता है, और सेल्फ एक्सेप्टेंस ना होने के कारण हम क्या आते हैं, जेलसी में आते हैं, और हम अपने ऊपर निर्भर नहीं, अपने साथ में खुश नहीं है क्योंकि किसी ने मेरी बात नहीं मारी, मेरा फोन टाइम पे नहीं उठाया, मेरा मैसेज वापस नहीं किया व्हाट्सएप का, तो चिड़ आ गई, बदला लेने की भावना आ गई. तो रमन भाई साहब ने बोला कि भाई आपको सॉरी बोलना चाहिए. तो ये रियलाइज भी होना पहले कि मैं गलत कर रहा हूँ, कि 10 मिनट किसी और को वेट करा रहा हूँ, देखो मैंने बदला तो ले लिया लेकिन वो भी तो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है किसी और के अंदर. एंड सुमन सिस्टर ने कहा जो हम बाहर भेजेंगे वापस, उसको अगर किसी और को एंग्जाइटी फील कराएंगे तो हमें भी एंग्जाइटी फील होगी वापस, राइट? वो कंट्रोल करना भी तो एंग्जाइटी है ना. आई वुड लाइक टू ऐड ब्रदर, जैसे आप कह रहे हैं कि कैसे करें ना, कैसे रियलाइज में कैसे आए, आई वुड से कि इसमें 2-3 टूल्स तो जीवन की लाइफस्टाइल में लाने ही पड़ेंगे. ये आप ये मतलब हर एक इंडिविजुअल को अपने लिए करना ही होगा. अगर हम कहीं ऐसी स्वतः सहज बैठे हुए और कोई आके जादू की छड़ी घुमा दे और प्राप्तियां हो जाए, नहीं.
सबसे पहले साइंस, यस, टेक साइंस कि आपको अपने जीवन में से आपको चाहिए शांति अपने रिश्तों में, क्या आप ढूंढ रहे हो प्रेम शांति और सुख अपने रिश्तों में, देन इट्स अ फर्स्ट, यही पहला साइन है कि आप उसको ढूंढ रहे हो. तो अगर ढूंढ रहे हो तो फिर बैठिए, अपने लिए समय निकालना होगा. सो वी हैव टू एड अ फ्यू टूल्स इन आवर लाइफस्टाइल कि इसमें काउंसलिंग कह, इसको अलग अलग टर्म्स कह लीजिए, सेल्फ काउंसलिंग कह लीजिए, किसी से बात करिए, जैसे सेंटर्स बने हुए हैं, वाइज सोल को किसी का यू नो कंधा लीजिए, उससे डिस्कस करिए. मतलब ये बहुत टूल्स बहुत हैं, अवेलेबिलिटी बहुत है. सबसे पहले तो यू नो द सुप्रीम हीलर इज हियर. तो वॉट एवर दे बी लॉ भी है कि जो आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो आपको ढूंढ रहा है. अट्रैक्शन, वही अगेन तरंगे. तो अगर आप पूछेंगे आंसर्स लेने सत्य, मतलब प्योरली विद अ ट्रू हार्ट विद अ क्लियर इंटेंशन, आपको मदद मिलेगी. वी डोंट टेक फर्स्ट स्टेप एंड वी डोंट टेक इनिशिएटिव्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते, अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहते. वहां एक सिर्फ यही लैकिंग है, अदरवाइज सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि समय हीलिंग का चल रहा है. अपनी बुद्धि को, क्योंकि यहाँ पे अगर इफ वी डोंट यूज हाई टर्म्स, मतलब वोकैबुलरी सिंपल रखें, तो हमको जैसे बच्चों को कुछ नहीं पता होता एबीसी क्या होती है, पर सिखाने के लिए ए फॉर एप्पल, एप्पल की पिक्चर जरूर होती है साथ में, बॉल होती है, कैट की होती है. अपने आप को बिगिनर्स प्लीज कोई ना कोई एक पिक्चर, एक विजन जरूर दें कि जिससे हम वापस आ सके, एंड इट हेल्प्स, बहुत मदद करती है विजन क्रिएट करना. कि अगर जैसे मान लीजिए एंजाइटी को हम ले रहे हैं, एंजाइटी का अगर आ रहा है, पहले तो उसे जज करना ना, कि जज करना हम सीख गए हैं अब, कि अब मुझे इन इन इन, इन ये साइंस हैं कि मैं एंजाइटी में आ रही हूँ. गिव योर सेल्फ अ विजन कि नहीं मुझे काला, मैं और काली हो रही हूँ, अरे मैं तो लाइट हूँ, वट एवर, जिसको जो अच्छा लगता है विजन, कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए. एक बैठा हुआ अपने आप को एनलाइटेंड फॉर्म में बैठा हुआ देख लीजिए, कि मुझे नीचे नहीं, मुझे अपने अपने आप को गिरता हुआ देख लीजिए कि मैं गिर रहा हूँ और मुझे अब ऊपर उठना है. या समय को बना लीजिए कि ये समय, लिख लीजिए दीवारों पर कि टाइम ऑफ हीलिंग. सो गिव योर सेल्फ अ विजन, एक पिक्चर दीजिए. Wonderful. Right. Awesome. So Sunil sir is observing. So main yehi keh raha tha ki early in the morning or before bed, talk to yourself happily. So everything gonna be all right. You are unique. Beautiful. Beautiful. And Sunil sir, thank you for joining us. Aap bhi aaye hain, hamare saath mein join kare hain. And you have been practicing as a reverend. You have been doing studies also. And aapka already introduction Anurag Bhai ji ne de diya tha. So we would like to listen from you also, what is the condition of youth, because you also are engaging with youth and in your church also. So aap kindly bataiye ki kya cheez ki anxiety and self acceptance kyun nahi hai aaj duniya mein. Kindly unmute yourself sir. Yeah, we can hear you now. Namaskar. Aur main to itna bada khush hu aaj kyunki mere dost Paramprit, mere bhai Paramprit Auja, usne mujhe is mauka diya. मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था, मैं आज उनसे बात कर रहा था. मैं आज पहली बार आप लोगों से मेरा मुलाकात हो गई, भेंट होगा. तो जैसे अभी परमप्रीत जी ने हमसे कह रहा था, अभी देखिए चारों ओर अभी यूथ में जो है ज्यादातर ये अट्रैक्टिव होता है. मैं आज अब एक बात मैं सोच रहा था, मैं कहीं से आ रहा था, अभी देखिए वर्ल्ड कप होता है, अभी वर्ल्ड कप हो रहा है. नहीं, अभी पहले का जैसा माहौल वो अभी वर्ल्ड कप का माहौल नहीं हो रहा पा रहा है, क्योंकि लोग बच्चे जो है इतना सारे फोन में है. फोन का जो मजा उनको मिला है वो बाहर का गेम में बहुत कम मिल रहा है. अभी ये मुझे ऐसा एहसास हुआ. तो मेरा कहना है अभी जो हो फोन से भी ज्यादा इनका एंजाइटी हो सकता है. फोन इतना इनका हो गया तो मैकेनिकल. मैं तो अभी जब फोन करता हूँ कभी से, अगर 10 मिनट से ज्यादा फोन कर लेता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, एक वेव जो आ रहा है मेरे ऊपर, वो वेव के जरिए मुझे सर दर्द होने लगता है. मैं सोचता हूँ, मैं मेरे वाइफ को भी पूछता हूँ, क्या तुमको ऐसा होता है? मैं किसी को भी पूछ लेता हूँ, नहीं ऐसा तो नहीं होता, फिर मुझे क्यों होता है?
तो मैंने पता चला ये एक जो एक लाइट है जो मतलब ये जो वेव है ये जो खतरनाक जो वेव है इससे हमारे बच्चों का दिमाग में कुछ असर तो जरूर पड़ रहा है और इसके बदौलत जो है हमारे आज के बच्चों में जो है दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग। एक्चुअली मेरा कहना है हम इतना बाहरी हो गए, हम इतना आउटवर्ड हो गए, हम टच फील और जैसे हमारे कैसा कौन सा चीज अच्छा लगता है उस पे हम चले जाते हैं, लेकिन वी आर लिस्ट बोदर अबाउट और द स्पिरिट बीइंग, हमारे जो अंदरूनी झांकना जो है हमने सिखाया नहीं। लोगों ने हमको क्या सिखाया, रिलीजन सिखाया, देखिए ये करो वो करो, यहाँ जाओ मंदिर जाओ मस्जिद जाओ, ये सब हमने सीखा है बिल्कुल जहां भी है, लेकिन हमने एक पार्ट क्या, हमारे बच्चों को आत्मा में झोंकना यानी कि आत्मा को झांकना, अपने आप को संसार से परे रह के थोड़ा अंदर जाना, अगर हम इसको कसरत करते हैं छोटा से उनको सिखाते हैं तो मुझे लगता है ये सारे जो आने ये सो सारे चीज है उससे हम बच सकते हैं। तो यही है तो हमारे लिए हमको तो मैं एक क्या कहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस, हम जिम जाते हैं, लोग एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स होता है यहाँ पे, ऐसा मसल्स होता है किसी का ट्राइसेप होता है, कोई बाइसेप होता है, किसी का चेस्ट बनता है, तो मैं सोचता हूँ अरे भैया आप करते हैं लेकिन इतना तो नहीं होता कि फूलते 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 उसका जो है बाजू ये फूलते फूलते इतना तो नहीं होता कि घर की जैसा बड़ा तो नहीं होता है, देयर इज द लिमिट, उसका बढ़ना भी एक लिमिट है। अब हम जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उससे एक लिमिट होता है, लेकिन जो आत्मा का यानी कि अपना चिंतन का जो एक्सरसाइज करता है देयर इज नो लिमिट, वो इतना अंदर जो है इतना सुपर स्पिरिट बन के जाता है ये हम भूल जाते हैं। तो हमें यही दुख लगता है आजकल के बच्चों को ज्यादातर उसमें आत्मा में, वो आत्मा का तो दूर बात, उनका खुद को झांकना नहीं, ये झांकना सिखाना बहुत जरूरत है। थैंक यू सुनील सर, बहुत सुंदर आपने बोला और मैं लिविंग एग्जांपल हूँ, जैसे आपने बोला ना कि ये फोन की तरंगें यहाँ पे लोचा कर देती हैं बहुत जबरदस्त, तो जब कोविड हुआ और जब लॉकडाउन हुआ तो सब बंद हो गया था, तो ये सोल 24 घंटे फोन पे समझता था कि अच्छा हेल्प करना, इसकी हेल्प करनी, उसकी हेल्प करनी, तो ग्रुप्स बन गए थे, बट नाथ को नींद नहीं आती थी, सुबह उठ के फिर शुरू हो जाता था। सो वो जो लगातार 2-3 महीने हुआ या उसके बाद आदत बन गई, फिर व्हाट्सएप पे बहुत कुछ देख रहे हैं, फेसबुक पे नहीं पर व्हाट्सएप पे बहुत कुछ, तो ये एडिक्शन है, ये कॉन्शियसली अवेयर होना कि ये मेरे को एडिक्शन हो गई है और उसको कैसे रिजोल्व करना, दैट इटसेल्फ इज अ मैसिव टास्क। इसको इसको कॉन्शियसली समझना पड़ता है, जैसे आपने बोला ना, तो कहीं ना कहीं आई थिंक हमारे जो चाहे वो बच्चे हैं, इवन यंगस्टर यंग एडल्ट्स या हमारी एज ग्रुप के या बड़े भी, आज इतने एडिक्टेड हैं इस छोटे से फोन, तो मुझे बोलना ही अब लगता है ये कुछ अजीब सी चीज बना दी है, इसके फायदे भी हैं पर इसके नुकसान ज्यादा हो रहे हैं आज की डेट में, तो ये आई थिंक कहीं ना कहीं कॉन्शियसली हमारे को समझने की जरूरत पड़ती है। और कहीं ना कहीं जैसे तनिका जी ने थोड़ी देर पे बोला कि रीच आउट फॉर हेल्प, पहले उसको आइडेंटिफाई करो कि प्रॉब्लम है, तो फिर उसके बाद जब हम काउंसलिंग शुरू करते हैं तब मुझे पता लगा था कि ये फोन जो है दैट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज मुझे पता ही नहीं था कि मुझे फोन प्रॉब्लम दे रहा है। देन आचार्य जी हैं आयुर्वेद के लिए बोला कि बॉस फोन यूज, एंड दैट्स हाउ आई कॉन्शियसली स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो ये अवेयरनेस होना और कोई काउंसिल करके बता पाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, मेरे एक्सपीरियंस है। एंड आई थिंक हमारा टाइम को भी देखते हुए हमें अपना मेडिटेशन का सत्र एक रखना चाहिए। So Anurag brother, let's go ahead with the meditation so that we can get connected. जैसे सर ने कहा, सुनील सर ने, कि अपने आत्मा में झांक करके देखें, दुनियावी चीजों को हमने देख लिया, हमने अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करी सोशल मीडिया से, उसकी भी एंग्जाइटी होगी, हमने अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करी फिजिकल लुक से, कपड़ों से, चीजों से, गैजेट से, उससे और भी ज्यादा एंग्जाइटी होगी। हम जितना एक्सपैंड करते गए अपने आप को बाहरी चीजों में, अपने आप को रिलेट करने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ढूंढने के लिए, अपनी सेल्फ वैल्यू ढूंढने के लिए, उन सारी चीजों से रिलेट करके, चाहे वो बहुत ही पॉपुलर फ्रेंड्स हों, चाहे बहुत ज्यादा पॉपुलर चीजें हों, चाहे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आज ऑनगोइंग चीजें हों, उन सब चीजों से रिलेट करते 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 हमने कहीं अपने आप को इतना एक्सपैंड कर दिया है और इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है हमने अपने अंदर, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, जिससे भी एंग्जाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम अपने आप को इन चीजों से डिटैच करें. आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलता है डिटैचमेंट का. तो डिटैचमेंट इंसान से नहीं करना है हमें, डिटैचमेंट हमें यूजलेस चीजों से, अननेसेसरी चीजों से, वेस्ट चीजों से करना है. बिकॉज हमारे अंदर अनलिमिटेडनेस है, जैसे सुनील सर ने कहा कि आत्मा के अंदर अनलिमिटेडनेस है, लेकिन आत्मा के अंदर इम्प्योरिटी लेने की लिमिट भी है हर एक के अंदर अपनी अपनी. कि एक लेवल आता है थ्रेशोल्ड की, इतनी इम्प्योरिटी ले ली हमने अपने अंदर बाहरी दुनिया से, इतनी चीजों से रिलेट कर लिया अपने आप को बाहरी चीजों से जो कि स्थिर नहीं है. तो एक समय था जैसे सुनील सर ने कहा कि हाँ फुटबॉल बहुत पॉपुलर था, आज किसी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. अगर मेरे को सारे नेम्स पते हैं फुटबॉल प्लेयर्स के तो मैं आज बहुत पॉपुलर बन जाऊं. मेरे को एक एंग्जाइटी भी हो सकती है कि सारे नाम याद करने ताकि मैं किसी को सुना पाऊं और मेरे को बहुत अच्छा लोग बोले अरे वाह इसको तो बड़ा याद है, इसका भी स्ट्रेस, इसकी भी एंग्जाइटी. तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अब स्लोली स्लोली हमें इन बाहरी चीजों से अपने अंदर टर्न करना इम्पॉर्टेंट है, मूव विद इन. कि आई एम ओके इफ आई एम नॉट रिलेटेड टू दीज थिंग्स, एंड स्वीकार करना कि इट इज ओके कि अगर कोई मुझे पहचानता नहीं इन चीजों से, कि अच्छा तुम्हें पता भी नहीं आज कौन जीता फुटबॉल में, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं आज का प्रेजेंट कौन सा एक्टर चल रहा है इतना हाँ पॉपुलर एक्टर, आपको ये नाम ही नहीं पता आपको, उसकी भी एंग्जाइटी हो जाना. तो इट इज ओके नॉट टू नो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, ताकि मैं अपने आप को उन चीजों से रिलेट ना करके अपने आप को हल्का बनाऊं पहले, एंड ओवर इन्फॉर्मेशन से दूर हो जाऊं मैं. सो लेट्स डू अ ब्यूटीफुल मेडिटेशन जहां पर हम अपने आप को इन चीजों से डिटैच कर पाए. एंड आज जितने भी स्पीकर्स ने जो जो बातें करी हैं, क्योंकि एक सेशन में तो कंप्लीट हो नहीं सकती हैं, वी विल हैव अनदर सेशन जहां पर हम इनको और गहराई से लेकर जाएंगे इन बातों को, जिसमें और ही गहरी गहरी चीजों को, पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे. सो लेट्स गो अहेड, लेट्स सिट डाउन कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाए, अपनी पीठ को सीधा कर ले, टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स गेट इनटू द मेडिटेशन पोज. Take one more deep breath. मैं जो कहता जाऊंगा यहां पर आप उसका विजुलाइजेशन करते जाएं. Try to visualize in your mind's eye, मन की आंखों में विजुलाइज करें. मेरा ये जो शरीर है और शरीर से रिलेटेड जो भी मेरे पास में प्राप्तियां हैं, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, गाड़ी, बंगला, पोस्ट, पोजीशन, जो भी चीजें हैं, ये चीजें केवल कर्म करने के लिए मिली हुई है मुझे, ओनली फॉर कर्मा. ये चीजें मुझे डिफाइन नहीं करती हैं, ना मेरे शरीर का रंग रूप मुझे डिफाइन करता है, ना कद मेरे को डिफाइन करता है, ना ही कपड़े, ना ही गाड़ी बंगला मुझे डिफाइन करता है. मुझे इन चीजों को छोड़ करके इस शरीर, इस स्किन के नीचे बैठी हुई एक सुंदर पवित्र स्पिरिट या आत्मा को स्वीकार करना है. मैं पहले अपने अंदर की चेतना, एक ऊर्जा, एक पवित्र रोशनी को स्वीकार करूं जो मैं स्वयं हूं. ये शरीर के बिना भी मेरा एक अस्तित्व है, मेरी एक रियलिटी है जो कि स्पिरिचुअल रियलिटी है. और मैं आत्मा, मैं स्पिरिट, इस शरीर से अलग होने के कारण इस शरीर के द्वारा एक्सपीरियंस तो करती हूं दुनिया को और अपने आप को एक्सप्रेस भी करती हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं बहुत सारी दुनियावी चीजों से डिटैच होकर के अपने आप को एक्सप्रेस करूं. मेरी रियलिटी, मेरी सच्ची रियलिटी स्व को एक्सेप्ट करने में है कि मैं ये शरीर से अलग एक एनर्जी, एक स्पिरिट हूं. और वो ब्यूटीफुल स्पिरिट ना गोरी होती है, ना काली होती है, ना अमीर होती है, ना गरीब होती है. वो स्पिरिट सदा ही प्योर है. मुझे उस स्पिरिट को पहचानना है, स्व को पहचानना है. मैं परमपिता, परमात्मा कहें या गॉड कहें या अल्लाह कहें,
मैं वो सुप्रीम स्पिरिट की क्रिएशन हूं, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स, ये बॉडी और ये बॉडीली चीजें तो मुझे इस दुनिया से मिली हैं, ये सदा मेरे पास में रहने वाली नहीं है। मैं जितना इन चीजों से अपने आप को रिलेट करूंगी, मैं स्पिरिट, मैं आत्मा, उतनी मेरे अंदर एंग्जाइटी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी फिजिकल चीज, ना ही मेरी बॉडी कांस्टेंट है, ना हेल्थ कांस्टेंट है, ना फाइनेंसेस कांस्टेंट है, ना ही कोई चीजें मेरे आसपास कांस्टेंट है, और जितना मैं इनको कंट्रोल करूंगी उतना ही मेरी एंग्जाइटी बढ़ेगी। मुझे सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है और मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं किसी को, ना किसी व्यक्ति को और ना ही किसी वस्तु को कंट्रोल कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये फर्स्ट एक्सेप्टेंस ही मुझे हल्का कर देती है। मैं केवल अपने रिएक्शन को एक्सेप्ट कर सकती हूं, मेरा रिएक्शन ही मेरे कंट्रोल में है, चाहे लोग मेरे फिजिकल रूप के बारे में, मेरी चीजों के बारे में, मेरी उपलब्धियों के बारे में कुछ भी कहें, मुझे जब तक उनसे कोई रिलेशन नहीं रखना है या रखा है, तब तक मेरे अंदर कोई एंग्जाइटी क्रिएट नहीं कर सकता है। मैं इस समय डिटैच्ड हूं कंप्लीटली, मैं जीरो हूं कंप्लीटली। मुझे एक नई शुरुआत करनी है, उसके लिए मुझे कंप्लीटली नथिंगनेस में जाना है, जीरोनेस में जाना है। मेरा किसी चीज, किसी वस्तु, इवन अपने शरीर से कोई रिलेशन नहीं है इस समय। मैं एक इनफिनाइट स्पिरिट हूं, इनफिनाइट बीइंग हूं, इनफिनाइट लाइट हूं, और वो लाइट इस दुनिया में केवल औरों को एक्सेप्टेंस देने के लिए आई है, औरों को एप्रिसिएशन देने के लिए आई है, मांगने के लिए नहीं आई है। मैं एक इनफिनाइट एनर्जी केवल देने के लिए आई हूं, औरों को एप्रिशिएट करना उनकी क्वालिटीज के लिए, उनके टैलेंट्स के लिए। ये मेरे अंदर प्योरिटी क्रिएट करता है, और मैं जितना औरों को खुश रख पाऊं, औरों को एप्रिशिएट कर पाऊं, औरों के लिए कर पाऊं, उतनी ही वो सुंदर मेरी एक्टिविटीज, मेरे कर्म को मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। स्पिरिचुअलिटी कहती है देना ही लेना है, रिस्पेक्ट देना ही रिस्पेक्ट लेना है। मुझे अगर सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो मुझे औरों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना एक्सेप्टेंस नहीं है, उससे एंग्जाइटी बढ़ती है। जो जैसा है बहुत अच्छा है, और मैं जैसा हूं बहुत ही अच्छा हूं। इस सेकंड में, अगले सेकंड और भी अच्छा होऊंगा मैं, और भी अच्छा था, और अच्छा हूं, और अच्छा बनते जा रहा हूं, और जो कोई भी मेरे आसपास है बहुत अच्छे हैं। औरों को एक्सेप्ट करने में ही स्व को एक्सेप्ट करना आता है। ओम शांति। अब जितने भी हमारे आए हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे सामने रख सकते हैं।
regarding acceptance, ताकि हम और गहराई से आगे जा पाएं. Kindly एक ब्रदर थे जिनको सवाल पूछना था, वो हाथ रेस कर रहे थे. ब्रदर आप हैं अभी भी? एक आप हाथ रेस कर रहे थे, क्या आप चैट विंडो में लिख सकते हैं या आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपका सवाल है तो? आप हैंड रेस कर सकते हैं या आप अपना टाइप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन. अपने आप को काइंडली अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें. हाउ टू डील विद एंशियसनेस, ये एक जनाब लिख रहे हैं. हाउ टू डील विद एंशियसनेस, एंशियसनेस के साथ कैसे डील किया जाए? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंशियसनेस किस चीज से हो रही है, क्या थॉट आता है उसको आइडेंटिफाई करना. जैसे तनिका सिस ने कहा कि वो थॉट कौन सा है, वो किस चीज से एंशियसनेस हो रही है, उसको आप आइडेंटिफाई करें पहले, क्योंकि एंग्जाइटी के बहुत सारे रूप हैं आई बिलीव. सो एंशियसनेस आपकी हो सकती है फाइनेंशियल एंशियसनेस, हेल्थ रिलेटेड एंशियसनेस हो सकती है आपकी, रिलेशनशिप रिलेटेड एंशियसनेस हो सकती है आपकी. तो काइंडली आइडेंटिफाई करें उसको, ताकि हम उसके ऊपर हम आपका आंसर दे पाए. आप जो आपका इनिशियल आ रहा है सिर्फ पी, तो आप अगर आप प्लीज ये बता पाए, अगर आप स्पेसिफाई कर पाए कि ऐसी कोई, अगर आप चाहें तो आप, अगर आप प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या आप किस बारे में एंशियस होते हैं. अगर आपको लगता है कि उसका आंसर और डिटेल में मिले तो थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें प्लीज. हाँ जी, बिकॉज अनुराग ब्रदर इम्पोर्टेंट क्या चीज है समझना कि एंशियसनेस का सिंपल मीनिंग है ओवरथिंकिंग. Overthinking, किसी भी चीज को लेकर के ओवरथिंकिंग हो रही है तो काइंडली आइडेंटिफाई करें वो किस एरिया से रिलेटेड है, ताकि उससे रिलेटेड हम आपको आंसर दे पाए. बिकॉज एंशियसनेस एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे इतने सेशंस चल रहे हैं. जी सही कह रहे हैं आप, एंशियसनेस बिल्कुल, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, तभी नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं. एग्जैक्टली, और अगर आपको थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में ब्रदर, मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपको टाइम लग रहा है पता करने में कि कौन सा एरिया है, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं एंड उसमें आप अपना क्वेश्चन भी आगे रख सकते हैं हमारे सामने, तक हम किसी और का क्वेश्चन लेते हैं. क्या अगर मैं समझता हूँ कई बार होता है कि व्यक्ति इतना ओपन नहीं हो पाता भाई जी, तो क्या कोई एक नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं जो अगर ये प्राइवेट मैसेज करना चाहें, प्राइवेट में बात करना चाहें, क्योंकि कई बार शुरू में बहुत मेरे को भी था, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता था कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है या मुझे थेरेपी की जरूरत है. मैं बात करने में हिचकता था, मैं ब्लैंक हो जाता था. कभी ऐसी मेरे साथ सिचुएशन ऐसी आती थी, कभी ऐसा भी होता था कि मेरे अंदर अगर कुछ थॉट है तो मैं बोल भी नहीं पाता था. मेरे अंदर डर होता था, मेरे अंदर आंखों में पानी भर जाता था, पर मैं बोल भी नहीं पाता था, ब्लैंक आउट हो जाता था. सिचुएशन आती थी तो वो अगर मैं सोचता हूँ कि अगर हम एक नंबर दे दें, ये अपना पर्सनल मैसेज करना चाहें या बात करना चाहें, तो आई थिंक इनको हेल्प हो सकेगी. शायद कहीं ना कहीं हम इनको रास्ता दिखा सकेंगे, जिसका हमारा होल सब्जेक्ट, हमारा होल पर्पस यही है कि हम किसी ना किसी को हेल्प कर सकें उनकी उनकी रिजॉल्व करने में. तो एक नंबर आप लगता है कि कोई नंबर शेयर कर सकते हैं यहाँ पे हम? हाँ जी, मैं एक नंबर के, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको सारे भी जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं उनके नंबर्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, एंड आप किसी एक इंडिविजुअल स्पीकर को आप आइडेंटिफाई करके उससे आप बात कर सकते हैं. मैं आपके साथ में इसी स्ट्रीम में व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर लूंगा. तब तक एक और क्वेश्चन आया है हमारा जी, हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन समथिंग व्हाट वी वांट टू डू. मतलब किसी भी चीज में कोई कार्य शुरू किया मैंने, स्टार्टिंग तो कर दी मैंने, लेकिन बीच बीच में क्या आता है, डाउट्स आते हैं, एंग्जाइटी, मतलब ओवर थिंकिंग. तो ये भी ओवर थिंकिंग से भी होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे कर पाएगा. सो आगे पूछा जा रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग समथिंग इज बिट इजी बट हाउ टू बी इन कंसिस्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव इट. कोई स्पीकर इसका आंसर देना चाहेगा प्लीज? आई थिंक सुमन निधि आप बता सकते हैं प्लीज इसका आंसर. हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन समथिंग व्हाट वी वांट टू डू, because starting something is bit easy but how to be inconsistent in order to achieve it. yeah om shanti dekhiye hum lana chahte hain tabhi hum ek naya koi abhyas shuru karte hain wo choti choti praptiyan rakhti hain hame ye dhyan se dekh it kar rahe short run mein agar hame ye samajh aata hai ki ye particular exercise ya abhyas ya practice mujhe long run mein zyada fayda dega to hame apne man ko bahut acche se samjhana hoga कि इसका रिजल्ट अभी इतना जल्दी नहीं मिलेगा. वी हैव टू बी इन कंटिन्यूएशन विद दैट प्रैक्टिस और अभ्यास से फॉर अ वीक और अ मंथ,
क्योंकि आप देखिए जब भी कोई तकलीफ हमें शरीर में होती है इन फॉर्म ऑफ एनी डिजीज, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें दो चीजें देते हैं, एक देते हैं प्रिस्क्रिप्शन, एक देते हैं प्रिकॉशन। तो कंसिस्टेंसी हमें दोनों लेवल पर रखनी है, और दोनों लेवल पर रखने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मेरी 5 दिन की है या 10 दिन की होगी, तभी वो एंटीबायोटिक की डोज भी 5 दिन तक होती है, 3 दिन खाएंगे तो असर नहीं करेगा। तो इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू से कि वी हैव टू बी अवेयर कि जो भी बदलाव हम ला रहे हैं वो लॉन्ग रन प्राप्ति देगा या शॉर्ट रन देगा। अगर शॉर्ट है तो वो जो छोटी छोटी भी प्राप्तियां होती हैं हमें उन्हें कंसिडर करना है, ये नहीं सोचना है ये तो ऐसे कैजुअली हो गया है। से फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिटेशन शुरू किया, आज आपने से 15 मिनट्स किया, जैसे अभी ब्रदर ने बहुत अच्छा मेडिटेशन कराया। आप ये सोच रहे होंगे मे बी सम ऑफ अस मे बी थिंकिंग कि हमें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो ब्रदर बोल रहे थे, विजुअलाइजेशन पुअर है, या हमें तो कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ। ये एक लॉन्ग रन अचीवमेंट है, लेकिन इन 15 मिनट तक 10 मिनट्स तक अगर आप एकाग्र होकर इन शब्दों के साथ भी बंधे रहे तो वो भी एक प्राप्ति है। तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ फॉर दिस शॉर्ट शॉर्ट प्राप्तियां। अरे वाह 10 मिनट मुझे कोई और थॉट नहीं आया, आई वॉज विद दिस वॉइस ओनली, दैट इज अ प्राप्ति। धीरे धीरे ये प्राप्ति हमारी बढ़ती जाती है और यही हमारी कंसिस्टेंसी को बढ़ाता है। सो वी हैव टू बी हैप्पी विद शॉर्ट शॉर्ट गिफ्ट इन आवर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। डोंट थिंक अबाउट द बिग गिफ्ट व्हिच विल गेट आफ्टर, यू नो मेरे को तो ये मिलेगा एंड वो मिलेगा, मिलेगा वो पक्का मिलेगा, बट जस्ट मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड टैप योर शोल्डर कि या इतना तो किया चलो आज मैंने। So this is how we can be consistent with any transformation which we want in our life. Beautiful. Michael Flipp करके swimmer है. So Michael Flipp को 8 Olympic medal एक ही swimming का में मिला था. So किसी ने कहा कि आपको एक ही competition में 8 medal मिल गया. 24 hour में मैं 3 घंटे कंटिन्यू व्हाट रियली वांट रिलैक्स करके, या दीदी के साथ में थोड़ा सा मैंने इनपुट और दिया। भाई जी आपका आवाज फिर से बीच में ब्रेक हो रही थी, आप काइंडली ग्रुप में ज्वाइन करके, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा ये ग्रुप में ज्वाइन करें, भाई जी के पास में बहुत इंटरेस्टिंग कंसिस्टेंसी। मैं अपने लाइफ में क्या करता हूँ, एक डायरी मेंटेन करता हूँ, एंड डायरी में मैं जानता हूँ कि मेरे पास में कौन कौन से गोल्स को अचीव करने के लिए नेगेटिविटीज आ सकती है। किसी ने कह दिया मुझे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो उसके पास उसके लिए मेरे पास में एक डायरी में आंसर है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज आई एम गॉड्स चाइल्ड। तो कभी कुछ कहता है कि आप नहीं कर सकते, तो मेरे पास में वो लिखा हुआ है जो कि मेरे लिए क्या है, एक एंटीवायरस है। किसी ने मेरे अंदर वायरस डाल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते हो, मेरे पास में एंटीवायरस है जिसको मैं खोल करके देख सकता हूँ कि हाँ भैया आज इसने मेरे लिए कहा लेकिन मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। कोई कहता है कि आप तो कभी आगे बढ़ोगे नहीं, आप हमेशा गरीब ही रहोगे, तो उसके लिए भी मेरे पास में एक एंटीवायरस है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ, भगवान ने मेरे लिए सोचा हुआ है, मेरे को 100% इनफिनिट फाइनेंशियल हेल्थ मिलनी ही है बिकॉज आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई डिजर्व इट। सो वो क्या करता है, मेरे अंदर क्या करता है, एक नशा चढ़ाता है। देखिए नशा आपको चढ़ सकता है अचीवमेंट से, सक्सेस से भी, और आपको नशा चढ़ सकता है ड्रिंक करने से, स्मोक करने से भी। जो लोग निराश हो जाते हैं वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग में ड्रग्स में चले जाते हैं, और कुछ जो निराश नहीं होते हैं वो अपने लिए एप्रिसिएशन लिखते हैं, अपने लिए स्वमान लिखते हैं, अपने लिए एफर्मेशंस लिखते हैं जिसको वो हमेशा देखते हैं। तो स्वनिर्भर होना बहुत जरूरी है बिकॉज आप आगे बढ़ेंगे कोई आपके सामने आके आपको रोक देगा, आपके 10 दुश्मन खड़े हो गए। अच्छा मुझे दुश्मन नहीं चाहिए मेरे रास्ते में, तो मुझे क्या करना है, उसके भी मेरे पास में एक एफर्मेशन है कि सारी दुनिया में हर कोई जिससे मैं मिलता हूँ वो सब कोई मेरे सहयोगी है। Everybody helps me every single time at the right place, right time to help me in moving ahead in my life.
तो ये भी एक अफर्मेशन है. आज ये जो प्लेटफॉर्म बना है उसमें सारे सिस्टर्स ब्रदर्स आए हैं. थॉट मेरा था कि हम सब मिलकर के सेवा करें, राइट? लेकिन अगर मैं सोचूं पता नहीं आज तो नहीं आए, आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं क्या होगा, दिस इज एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग. इसके लिए सिंपल ये है कि एवरी टाइम मैं कोई चीज करना चाहता हूँ, मेरा दिल इतना साफ है, मेरा मन इतना साफ है, मेरी इंटेंशन इतनी साफ है कि मुझे हेल्प करने वाले लोग मिलेंगे ही मिलेंगे. सो दैट इज अनदर अफर्मेशन. दैट मीन्स मुझे अपने आप को होलिस्टिक कंप्लीट बनाना है. और क्या प्रॉब्लम आ सकती है? ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज आ सकती है. आई विल ऑलवेज गेट सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम समबडी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ये कार्य पूरा करने के लिए. ये भी एक मैं अफर्मेशन बना सकता हूँ अपने आप से. अच्छा, मेरे पेरेंट्स मुझे हेल्प नहीं करते, मेरी वाइफ मुझे हेल्प नहीं करती, मेरा हस्बैंड मुझे हेल्प नहीं करता है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, परमात्मा मेरा मददगार है, मुझे राइट टाइम पे राइट लोग मिल ही जाते हैं हेल्प करने के लिए. आई कैन सी द साइंस एवरीवेयर. वो भी एंग्जाइटी कम कर देता है अपनी. सो कंसिस्टेंसी अगर आपको रखनी है तो प्लीज मेंटेन अ डायरी एंड आप ग्रुप में ज्वाइन करें. एंड ग्रुप में आप मुझसे और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. वी कैन हेल्प यू आउट इन राइटिंग दोस अफर्मेशंस आल्सो फॉर योरसेल्फ इंडिविजुअली. आपको हम पर्सनली हेल्प कर सकते हैं. आपको ग्रुप का लिंक भेज दिया गया है, इसमें आप काइंडली ज्वाइन करें. जितने भी स्पीकर्स हैं आपको सब आकर के हेल्प करेंगे. भाई साहब, रमन भाई साहब, आपको अच्छी स्टोरीज से मोटिवेशन. सुमन सिस्टर, आपको अच्छे परमात्मा से कैसे जुड़े, कौन से वैल्यूज अपनाएं. तनिका सिस्टर, वाइब्रेशंस कैसी अपनी एनर्जाइज करें, कैसे अपने आपको सेल्फ हील करें और औरों की वाइब्रेशंस से अपने आपको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये भी आपको और डिटेल्स में अगले सेशंस में भी बताएंगी जब आप ज्वाइन करेंगे. लेकिन आपको इस हफ्ते के लिए आपको हेल्प भी करेंगी आपको. एंड साथ ही साथ सुनील सर इज ऑल्सो देयर. उनके पास में भी आत्मनिर्भर होना, आत्मा के ऊपर फोकस करना, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं. वो भी इस ग्रुप में ज्वाइन कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा. सर काइंडली ज्वाइन अस. एंड आई थिंक वी कैन मेक फर्दर क्वेश्चंस. हां जी, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो पहले उन्होंने स्पेसिफाई किया है. आत्मन है, वो कह रहे हैं कि एंशियसनेस ऑफ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड और टेकन एडवांटेज ऑफ, यानी कि टेकन फॉर ग्रांटेड. एंजाइटी इसलिए आती है कि उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है या उनकी एडवांटेज ली जाती है. इस पे तनिका सिस्टर आप कुछ अपना थॉट दे सकते हैं प्लीज. ये एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, हाउ टू डील विद एंजाइटी एंड एंजाइटी ऑफ बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड. Granted itself, अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे को for granted लिया जा रहा है, ये itself एक बहुत कमजोर संकल्प है, कमजोर thought है और हम उसकी रचना. So एक बहुत ही हमारे senior brother है, वो उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हम राजयोग में सीखते हैं कि problems किसी भी प्रकार की, किसी भी magnitude की कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमजोर संकल्पों की रचना है. So it's a creation, continue pattern we create of weak thoughts. सबसे पहले again we have to be in awareness, उसको जज करना है कि ये कमजोर संकल्प है या ये बहुत श्रेष्ठ संकल्प है, तो उसको identify करके और फिर उनपे work करना है. Look, your role calls for an action. अब अगर मैं एक mother हूँ, मैं एक wife भी हूँ, मैं teacher हूँ, मैं कुछ मेरे अलग अलग roles हैं, my role calls for an action. ऐसा नहीं है कि अगर मैंने अपने आप को ये बोल दिया कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ तो मैं बस चुपचाप एक खेल देखूंगी. नो, अगर कुछ हो रहा है, कुछ उल्टा हो रहा है, देन लेट मी बी असर्टिव. आई डोंट हैव टू बी एंग्री, बट आई हैव टू बी, लेट मी बी असर्टिव. तो उसके लिए ताकत चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, राइट पावर, एक्यूरेट पावर. एंड इसके लिए हम स्वमान यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान आत्मा हूँ. तो हम शक्तियों को भी अपने में इम्बाइब कर सकते हैं. हर एक चीज के लिए आपको जो भी एक प्राप्तियां चाहिए उसके लिए एक स्वमान है, वो है मेरे अंदर ही, पर अपने आप को इम्बाइब करना है, उसको इमर्ज करना है. हर एक थॉट की तरंग होती है, ये भी बहुत सटल है. हम जैसे अगर जितनी बारी ये बोल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं ना कि ये मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, उनको वो एनर्जी मिल रही है. इट्स लाइक वेरी वेरी इवन इंस्टेंट मैसेज देन व्हाट्सएप या किसी और से, इतना क्विक मैसेज चला गया कि मैंने सोचा ये मुझे बहुत लेते हैं फॉर ग्रांटेड, उनको तो चला ही गया मैसेज इस संकल्प से ही, और वो और लेंगे. वो और लेंगे. हमारी कमजोर संकल्प की रचना है. हर एक
थॉट वाइब पहले अगेन, जैसे हमने यहाँ पे सुना ऑरा बना रहा है, चक्रा सब कुछ, और फिर बाहर भी फैल रहा है, तो वो हमारे तरफ वैसे ही सीन्स आएंगे जो हम रचना क्रिएट करेंगे फ्रॉम थॉट लेवल. तो लेट मी टेक चार्ज ऑफ लाइफ, मुझे अपने रोल्स पूरे निभाने हैं. हम ऐसे नहीं फॉर ग्रांटेड किसी को लेना भी नहीं है और होना भी नहीं है, दोनों चीज का बैलेंस रखना है. सो वी हैव टू बी अपने आप को एम्पावर करना है. जी जी, बहुत सुंदर. आई थिंक दिस वुड आंसर योर क्वेरी आत्मन पी, अगर आप सुन पा रहे हैं. और अगर आपको और सिस्टर के साथ में थोड़ा सा एक ऐड और करना चाहूंगी बात को. देखिए, जो ग्रांटेड फीलिंग वाली बात होती है, ऐसा देखा जाता है कि हमारे समाज में ये लेडीज को ज्यादा आता है कि उनको ग्रांटेड लिया जाता है फॉर से सम होम टास्क, और सेवा भाव बहुत होना चाहिए, दे विल डू एवरीथिंग. अगर वो जॉब भी कर रही है तो जॉब भी करेंगी, घर का काम भी करेंगी. ये एस्पेक्ट बहुत ज्यादा फीमेल में रहता है. तो इसमें हम एक चीज ध्यान देनी होगी कि जब हम मैरिज करके एक नए घर में आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑलराउंडर बनने की कोशिश करते हैं. मैं ये भी कर दूंगी. उस वक्त हमारे अंदर बहुत एंथुजियाज्म होता है टू हैव अ गुड इम्प्रेशन ऑन माई न्यू रिलेशंस. तो उस सारे सिनेरियो में हम कहीं ना कहीं अपनों का जो सॉफ्टवेयर है मेरे प्रति, वो मैं क्या बना रही हूँ कि दे विल डू एवरीथिंग. तो जो मुझे ग्रांटेड ले रहा है उसका ये सॉफ्टवेयर मैंने ही प्रिपेयर किया है कि टेक मी ग्रांटेड, आई विल डू एवरीथिंग. अब क्या होता है, विद टाइम हमारी बॉडी भी वीक हो रही है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, लेकिन क्योंकि हमने अपनों का सॉफ्टवेयर ऐसा बना दिया है कि वो अब हमारे प्रति बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है कि हमारे जो वर्क है वो बढ़ रहा है, तो वो हमारे बढ़ते हुए काम को नहीं देख रहे, लेकिन अब एक ही सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं कि दे विल डू एवरीथिंग. अब हमारे अंदर इरिटेशन बढ़ती है कि भाई हम ही क्यों करें, हमसे ही सारी चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं. तो ऐसे मोमेंट पे हमारे दो तरह के धर्म हो जाते हैं. धर्म माना व्हाट वी हैव टू डू, नॉट कर्म, इट्स अ धर्म. धर्म माना वी हैव टू चेंज द सॉफ्टवेयर ऑफ माय ऑन पर्सनालिटी एंड माय रिलेशन. उनका सॉफ्टवेयर भी बदलना है कि मैं भी ओवर एज हो रही हूँ, मुझसे भी उतना काम नहीं होता, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी. तो इसके लिए आई हैव टू हैव द टेक्निक, द वे टू से नो विद सभ्यता एंड सत्यता. उन्हें रियलाइज कराना विद वेरी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज कि भाई अब मुझसे इतना नहीं होता है, यू हैव टू कोऑपरेट विद मी, और वी हैव टू टेक सम यू नो हेल्पर एट होम एंड इन दैट वे. तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर स्लोगन देते हैं कि आप सत्यता को सभ्यता से रखें तो वो आपके रिलेशन नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि उनको ये सिखाएगा कि भाई विद टाइम आपको भी नीड है हेल्पर की. तो वो जो ग्रांटेड वाला एक सिनेरियो घर में चल रहा है, उस क्योस से आप खुद भी बाहर आएंगे और अपने रिलेशन को भी बाहर लेकर आ सकेंगे. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड इन दिस द आंसर व्हिच तनिका सिस्टर हैज टेकन वेरी नाइसली. So this we can do. Om Shanti. जी, thank you. I think Satinder brother, आपका कोई सवाल था, आपने हाथ खड़ा किया था पहले कुछ समय पहले, कुछ पूछना चाहते हैं? Satinder मेहता जी यहाँ पर हैं. हाँ जी, हाथ खड़ा कर रहे हैं भाई साहब. आप अपने आप अनम्यूट करें. अनम्यूट करें. एंड जो जो क्वेश्चन पूछना, अगर उनके क्वेश्चंस में और डिटेल्स चाहिए तो काइंडली ग्रुप को ज्वाइन कर लें. उसमें आपको इंडिविजुअल स्पीकर्स के नंबर्स मिलेंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. काइंडली ज्वाइन द ग्रुप. व्हाट्सएप का आपको चैट बॉक्स में मैसेज आ गया है. हाँ जी. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि टेकन फॉर ग्रांटेड से रिलेटेड मैं कहना चाह रहा था यहाँ पर, जो कि आई थिंक एवरीबडी विल बी टू रिलेट ओवर हियर, कि स्टार्टिंग हम खुद ही करते हैं. एक्चुअली हम जब औरों को ओवर प्लीज करने के द्वारा अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं या अपने आप को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि मैं जितना करूंगा या करूंगी उतना मेरी महिमा होगी, उतना लोग मुझे इम्पोर्टेंस देंगे, उतना लोग मुझसे खुश होंगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, हम अपनी लाइन को क्रॉस कर देते हैं.
हमारी जो क्षमता होती है क्षमता की लाइन को हम क्रॉस कर देते हैं. एंड कहा गया है, बहुत सारे शास्त्रों में भी कहा गया है, भगवद गीता हो चाहे और भी शास्त्र हो, उनमें भी कहा गया है कि कर्म करो लेकिन कर्म के फल की इच्छा ना करो. सो कर्म किया लेकिन कर्म के फल की इच्छा पहले रख करके कर्म किया तो वो प्योरिटी नहीं हुई, क्योंकि हम हर कार्य यहाँ प्योरिटी से करने के लिए आए हैं और उसको कहते हैं निर्बंधन होकर कर्म करना. तो इच्छाएं तो पूर्ति होती हैं, लेकिन एक लॉ है साइंस में और एक लॉ है आपका स्पिरिचुअलिटी में जो कहता है कि आप जो बाहर फेंकोगे वही आपके पास में वापस आएगा, मतलब कि आप जो कर्म करोगे वही आपके पास में वापस आएगा. लेकिन कर्म करने से पहले उसकी इंटेंशन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं. अगर हमने ओवरडू कर दिया और लोगों ने सोच लिया कि अरे इसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, ये तो इससे भी ज्यादा कर सकता है या इससे भी ज्यादा कर सकती है, एंड आपने इसलिए किया वो कर्म ताकि आपकी वाहवा हो, तो आपने खुद ही अपने आप को बंधन में फंसा लिया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी उनकी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही बढ़ जाएंगी आपसे. तो अगर आपने कर्म किया है, आपने वो एक्ट किया है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे बिजनेस में काम हो, आपने अपने आप से पूछ करके किया कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्या और को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूं कि अपने आप को खुश रखने के लिए कर रहा हूं. अगर मैं औरों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूँ, रुक जाइए वहां पर, बिकॉज यू विल ओवरडू इट. और जब आप ओवरडू कर देंगे ऑटोमेटिकली दूसरे को गलत सिग्नल चला जाएगा, एंड नेक्स्ट टाइम भी आपसे आपको आपकी महिमा करके, अरे बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा करते हो, अरे आपसे फिर से काम करवा लिया. फिर आपने दो बारी किया, फिर 10 बारी किया, तो आपको लगे नहीं कहीं मेरे को यूज कर रहे हैं लोग अब तो, क्योंकि वहां से आपकी महिमा कम आनी शुरू हुई. काम उतना ही ले रहे हैं लेकिन आपकी महिमा करनी छोड़ दी. कौन कितना देर आपकी महिमा करेगा, कोई रोबोट तो नहीं ना बैठा हुआ कि उसके अंदर फीडेड, आपने कर्म किया आपकी महिमा करेगा, आपने कर्म किया आपकी महिमा करेगा. 10 बारी आपने कर्म किया तो टेकन फॉर ग्रांटेड, हाँ ये तो करता ही इतना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक आवरसेल्व्स कि मैं क्यों कर्म कर रहा हूं. मैं ओवरडू अगर कर रहा हूं भी हूं तो अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं कि किसी और को खुश करने के लिए कर रहा हूं. तो अगर बीज ही आपका गलत डला है कर्म का कि मैं और को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा हूं, तो आप फंस जाएंगे और आप और फंसते जाएंगे. सो मैं अपनी खुशी के लिए उतना ओवरडू कर रहा हूं, दैट्स अ डिफरेंट एंड द राइट एटीट्यूड टू डू दैट कर्म. अदरवाइज जैसे सिस्टर ने कहा कि से नो. से नो भी तब आएगा जब आपको पता है कि आप संतुष्ट हैं अपने कर्म से, आपको किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आपको अपना लाइफ में बैलेंस भी रखना इंपॉर्टेंट है. पहले मेरे साथ ही होता था कि मैं जैसे ब्रह्म कुमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सेवा के लिए भी बुलाते हैं लोग, है ना. तो सेवा के लिए कभी कभी क्या होता है, अपना फैमिली को निगलेक्ट कर देना. अभी भी होता है कभी कभी, इम्बैलेंस होता है वो, कभी ज्यादा हो गया उस साइड में एंड फैमिली थोड़ी निगलेक्ट हो गई. तो वहां पर अपने आप को चेक करना पड़ता है कि मैं दोनों साइड, फैमिली हो उसको ज्यादा इंप्रेस तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं सेवा हो सेवा भी बहुत ज्यादा इंप्रेस तो नहीं कर रहा हूँ. तो आई हैव टू चेक माई सेल्फ एवरी टाइम, मैं खुशी से कर रहा हूँ कि किसी को इंप्रेस करने के लिए कर रहा हूँ. एंड ये चीज आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा. That's it. Thank you so much. जी, thank you भाई जी. हाँ जी, सिद्धेंद्र मेहता जी बताएं, आप कुछ कहना चाहें या चैट बॉक्स में लिखें. सत्येंद्र जी, मैं आपको अनम्यूट करने के लिए पूछ रहा हूँ. बोलिए जी. हाँ, बोलिए भाई जी. हाँ, मैं 12 साल से है, कुमार हूँ, 12 साल से ज्ञान ध्यान. ओके. वो मास्टर सरस्वती भगवान का जी अभ्यास है, वो लाल कलर में विजुलाइज करना है या व्हाइट कलर में? तनिका सिस्टर. वो रे लाल कलर में विजुलाइज करना है क्या या व्हाइट कलर में मास्टर सरस्वती भगवान का अभ्यास? हाँ, बहुत एक्चुअली पता है, अगर देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि विजन में क्या रखना है. तो एक है, एक होता है घर और एक होता है घर में रहने वाला. तो अब हमें घर से कनेक्ट करना है या घर में रहने वाले से कनेक्ट करना है जिससे प्राप्तियां होनी है ना. तो जो रहने वाला है, जो एक एक्चुअली बींग है, एनर्जी है, वो वाइट. अब इसको कलर कलर में ना समझे कि सिर्फ कलर होता है, वो एक्चुअली एक एनर्जी है, एक बीइंग है, एक कॉन्शियंट बीइंग है, जो जिसकी एक एक तरंग में क्वालिटी है, कोई ना कोई क्वालिटी है, शक्तियां है, प्रेम है, पवित्रता है, शांति है, आनंद है. तो वो मैं उस बीइंग से कनेक्ट कर रहा हूँ,
घर होता है रेड कलर का, तो हमें रेड कलर को अगर हम याद करेंगे तो प्राप्तियां तो नहीं होंगी ज्यादा, क्योंकि वहां से वो बीइंग नहीं है ना, वो कॉन्शियंट बीइंग नहीं है, तो उससे क्या हम गिव एंड टेक जो बातें होंगी वो हम घर से बातें करेंगे या घर में रहने वाले से बात करेंगे? तो हमें रहने वाले से, हाँ, हमें एनर्जी से बात करनी है, हमें घर से बात नहीं करनी है, तो रिश्ता वहां जोड़ना है उस लेवल पे। नहीं, मेरा तो उस चक्र आता है ना, सेवन चक्र, उसके साथ जो मुलाधार चक्र के ये श्री बाबा के लाल लाल कलर की किरणें लेकर वो मुलाधार चक्र को बैलेंस करने में आता है, इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ। ये लाल कलर में मास्टर विजय लक्षण है कि व्हाइट में सारे चक्र आ जाएंगे, व्हाइट में तो आ जाएंगे सारे चक्र। व्हाइट व्हाइट सार तो व्हाइट ही है, सार इज व्हाइट, ये क्योंकि ये कलर्स जैसे इंद्रधनुष बनता है ना, एक लाइट सूर्य की एक किरण आती है बारिश की बूंद में से, फिर सात रंग अपने आप आते हैं, उसके ऊपर हार्डवर्क नहीं करना पड़ता। तो अगर एक लाइट आपने यहाँ अपने आत्मा में, आत्मा आई द सोल, आई एम दैट पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम कनेक्टिंग थ्रू द डिवाइन द सुप्रीम हीलर, उसकी लाइट आई तो ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली ब्राइट हो जाएंगे ईच कलर। हर कलर, नो डाउट कलर्स हैं, हर कलर किसी ना किसी शक्ति का प्रतीक भी है, पर यू कैन ईदर इसके लिए अगेन यू नो वी हैव टू टेक मोर सेशंस, क्योंकि एक में नहीं समा सकते हम कि क्या क्या है, कैसे करना है, बट सार रूप में रखिएगा फिलहाल के लिए कि स्टे इन द एसेंस ऑफ द नॉलेज या एसेंस ऑफ ट्रूथ, कि लाइट इज लाइट फॉर्म जो है, व्हाइट लाइट इज द एसेंस, द सार रूप, ये बाकी सारी लाइट्स विस्तार हैं। हां जी, थैंक यू सत्येंद्र भाई जी, आपके क्वेश्चन क्लियर, थैंक यू कनिका, थैंक यू भाई जी, एंड क्वेश्चन आंसर सेशन भी काफी हमारा लंबा हो चुका है, एंड जिसको और क्वेश्चंस पूछने हैं वो काइंडली इस ग्रुप में, आपके चैट बॉक्स में अभी एक मैसेज आएगा, काइंडली उस ग्रुप में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप कर लें, एंड उस लिंक पे क्लिक करते ही आप व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे, जहाँ पे आप नेक्स्ट प्रोग्राम के भी, अगले संडे के प्रोग्राम के भी आपको उसमें लिंक्स मिलेंगे, एंड साथ ही साथ नया टॉपिक भी मिलेगा, एंड इसी टॉपिक को भी हम थोड़ा सा और गहराई में लेके जाएंगे। आई बिलीव सुमन सिस्टर एंड तनिका सिस्टर एंड आई थिंक रमन भाई साहब, आई थिंक इसको और गहराई में लेके जाए नेक्स्ट उसमें, बिकॉज़ सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ही बड़ा टॉपिक है। बिल्कुल, आई थिंक हां जी, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस ही रखा जाए, इसी टॉपिक को सेल्फ एक्सेप्टेंस पे ही रख के लेके जाए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। हां जी ब्रदर, वी कैन कंटिन्यू। चलिए, बहुत बढ़िया, इफ एवरीबॉडी इज अवेलेबल वी कैन टेक इट हेड नेक्स्ट वीक आल्सो, सो काइंडली ज्वाइन करें, एंड आपके कोई और क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क लेटर ऑन। एंड अब हम धन्यवाद करना चाहेंगे सुनील सर का, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू रमन भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तनिका सिस्टर आप यूके से ज्वाइन करी हैं, एक अलग ही टाइम पे लंदन से ज्वाइन करी, बहुत धन्यवाद। सुमन सिस्टर फ्रॉम दिल्ली, थैंक यू सो मच। सुनील सर फ्रॉम दार्जिलिंग, मेरे ही शहर से, यहाँ से, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम सर, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग टू सर, इफ पॉसिबल प्लीज ज्वाइन अस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you, Anurag brother. My pleasure. Thank you for the save. For thank you. For Let's sign off. And aap sabko link bhej diya jayega us group mein. Thank you so much of this recording. Lots of appreciation. Thank you. Thank you, Ramadan sir.